आज मास्टर हमारे बीच बिल्कुल में डॉक्टर रमाकांत सर आएंगे आपके आगे की यात्रा को ज्ञान समग्र जीवन शैली के बारे में बताने के लिए। तो आइए हम सब मिलके रमाकांत से जी का वेलकम करते हैं। पर रमाकांत जी अजय पेशे से एक डॉक्टर हैं और अब वो अभी भी राजस्थान में तो मतलब आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में डॉक्टरी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और बाकी का वो अपना परिचय खुद ही देंगे। रमाकांत जी ओवर टू यू। रमाकांत जी इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मास्टर थैंक यू। सभी तालियों के साथ रमाकांत जी का वेलकम कीजिए। ओवर टू यू रमाकांत जी। जी आप लोग सुन पा रहे हैं, मुझे आवाज आ जी रही जी जी है, प्लीज एक मास्टर बार बता जी देंगे? जी 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 सुन पा जी रहे मास्टर। जी आवाज बहुत अच्छी आ रही है। थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वास्थ्य से संबंधित चर्चा एक्चुअली आजकल बहुत आवश्यक हो गई है। हमारा नेचुरोपैथी का योगा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइट थेरेपी का काम है। जयपुर के पास में बस्सी है, अरे बस्सी मास्टर में सभी प्लीज अपने हाँ अपने आप को म्यूट म्यूट कर दीजिए। रमाकांत जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए आप। हाँ, तो आज हम देखेंगे बेसिकली कि हम स्वस्थ रहें इसके लिए हमको करना क्या है। शुरुआत से समझेंगे कि हम स्वस्थ रहना चाह रहे हैं तो हम स्वस्थ करना किसको चाह रहे हैं। शरीर को स्वस्थ करने का काम है। सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि हम जिसको स्वस्थ करना चाह रहे हैं वो एग्जैक्टली है क्या। तो शरीर क्या है? शरीर क्या है में कई परिभाषाएं शरीर को लेकर के दी गई हैं। सबसे पहली परिभाषा, चूंकि अभी भैया पुष्कर जी ने जो ध्यान का सेशन लिया बहुत ही बढ़िया रहा, तो हम वहां से ही शुरुआत करेंगे कि शरीर बेसिकली एक माध्यम माना गया। कहावत कही गई, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम्। धर्म की साधना के लिए शरीर एक माध्यम है। तो अगर साधना के लिए शरीर माध्यम है तो हमें माध्यम को तो सही रखना ही पड़ता है। जैसे अगर हम कहीं से कहीं जाते हैं और हम जिस चीज से जाते हैं, बस में जा रहे हैं या अपनी गाड़ी है, टू व्हीलर है, साइकिल है, जो भी है, उसको हमको ठीक रखने की आवश्यकता होती है। और अगर माध्यम को हम ठीक नहीं रख पाए तो निश्चित ही कहीं अगर माध्यम का पहिया, गाड़ी का पहिया निकल कर चला गया तो हम पहुंचेंगे ही नहीं। पहुंचने के लिए आवश्यक होता है कि माध्यम बिल्कुल ठीक रखा जाए। तो अब ये माध्यम जो है, ये माध्यम बना किससे है? जैसे हम कहते हैं कि हमको जयपुर से दिल्ली जाना है, हम अपनी गाड़ी से जाएंगे, तो गाड़ी तो हो गई माध्यम, लेकिन वो गाड़ी बनी किससे है? लोहे से बनी है, उसमें पहिए लगे हैं, उसमें स्टेयरिंग लगी है, उसमें फ्यूल टैंक है, कई सारी चीजें हैं। तो ऐसे ही शरीर किस किस चीज से मिलकर बना है, इसके लिए कई परिभाषाएं फिर से निकाली गई। तो एक परिभाषा रही आयुर्वेद की, जिसमें क्लियरली बोला गया, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। शरीर क्या है? शरीर है दोष धातु मल, इन सबको मिलाकर के जो एक संरचना बनी है उसको शरीर कहा जाता है। आयुर्वेद में ही थोड़ा सा और एलोबरेट करके बोला गया कि भाई ये दोष धातु तो हम निकाल नहीं पाएंगे, हम तो ऐसी कोई चीज हमको बताओ जो अगर हम शरीर को काटें तो हमको अंदर मिले। जैसे हम अगर गाड़ी देखते हैं तो पहिए हम निकाल सकते हैं, पेट्रोल टैंक उसका हम निकाल सकते हैं, तो ऐसी क्या परिभाषा होगी? तब फिर आयुर्वेद में शरीर की परिभाषा दी गई कि शरीर सात धातुओं से मिलकर बना है, और उनको बोला गया सप्त धातु। उसमें कहा गया रसो रक्त ततो मासः, मासो न मेद प्रजायते, मेद सो अस्थि, अस्थि सो मज्जा, मज्जा शुक्र प्रदायते। तो ये रस से लेकर के शुक्र तक सात धातुएं हैं, ये शरीर में हम देख सकते हैं। रस शरीर में होता है, रक्त शरीर में होता है, मांस मांसपेशियां शरीर में होती हैं,
मेद फैट शरीर में होता है, तो ये ऐसे करके सप्त धातुओं का सिद्धांत चला। नेचुरोपैथी में हम लोग जो देखते हैं, हम कहते हैं कि शरीर पंच महाभूतों का सम्मिश्रण है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा, पांच तत्वों से मिलकर के शरीर बना हुआ है। एलोपैथी वाले मानते हैं कि शरीर जो है भाई ना तो क्षिति जल पावक है, ना रस रक्त मांसा मज्जा है, शरीर तो सेल है, सेल मिलकर के टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाता है, और ऑर्गन सिस्टम का समन्वय जो है वो शरीर है। तो अब अगर हम किसी भी फॉर्म में मान लें कि शरीर ये है, शरीर की संरचना ये है, तो इस शरीर को बात आती है स्वस्थ रखने की। आज हम जो चर्चा करेंगे वो, चूंकि चर्चा जो है ना लाइफस्टाइल एक बड़ा विषय है, मैंने बोला था कि लाइफस्टाइल बड़ा टॉपिक है और आधे घंटे एक घंटे में डेढ़ घंटे में कवर करने वाला है नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि उसके विषय में पूरी जानकारी शुरुआत से चले अपन। सर आप अपना टाइम ले सकते हैं, लीजिए। बिल्कुल, तो अब जैसे शरीर को स्वस्थ करने की बात है, तो आशा है मुझे शरीर क्या है यहां तक समझ में आ गया। शरीर माध्यम है और शरीर किन किन चीजों से मिलकर बना है, विभिन्न पद्धतियों में विभिन्न परिभाषाएं निकाली गई। अब देखते हैं कि शरीर को स्वस्थ करने की बात है, तो हम जो स्वस्थ करना चाह रहे हैं, स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है। आज तक स्वास्थ्य की परिभाषा ही बहुत अच्छे तरीके से नहीं निकल पाई। जो आयुर्वेद में हजारों साल पहले कह दिया गया था, आज भी लोग उस बात को समझ नहीं पा रहे। और आयुर्वेद में बिल्कुल क्लियरली बोला गया था स्वास्थ्य की परिभाषा को लेकर के, कि स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, सम दोष समाग्निश्च सम धातु मलाक्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वास्थ्य इति विधीयते। इतनी चीजें जब सही होंगी तब जाके शरीर स्वस्थ माना जाता है। दोष आयुर्वेद में अगर कोई थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड है तो उसको पता होता है, दोष तीन प्रकार के होते हैं, वात पित्त और कफ। जब तक ये दोष सम नहीं होते हैं, जब तक ये दोष बिल्कुल समन्वय में नहीं रहते हैं, तब तक शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। तो दोष सम रहे ये बहुत आवश्यक है। अगर दोष सम नहीं होंगे, आयुर्वेद में तो रोग की परिभाषा ही लिखी गई, रोगस्तु दोष वैषम्यम, रोग तब होगा जब दोषों में विषमता आती है। और अगर आपको रोग को दूर करना है तो दोषों को सम करना पड़ेगा, तब फिर शरीर में स्वास्थ्य की परिभाषा में भी क्लियरली लिखा गया दोष साम्य आरोग्यता। जब आप दोषों को सम करोगे तब शरीर आरोग्य को प्राप्त करेगा, अन्यथा सर पटक पटक के मर जाए कोई, स्वस्थ नहीं रह सकता। ठीक है, तो सम दोष आयुर्वेद की परिभाषा में, स्वास्थ्य की परिभाषा में क्लियर लिखा गया सम दोष, दोष सम होने चाहिए। समाग्निश्च अग्निसम होनी चाहिए। आजकल क्या है, या तो किसी की अग्नि बढ़ गई है, जिसको दीर्घाग्नि बोलते हैं, जिसको गैस्ट्राइटिस बोला जाता है, पेट भारी है, गर्दन में दर्द है, सिर भारी हो रहा है, आंखों में जलन हो रही है, चिड़चिड़ापन आता चला जा रहा है, काटने को दौड़ रहा है इंसान, तो ये जो चीजें हैं ये दीर्घाग्नि के रोग हैं। जब पित्त बढ़ता है, पित्त वृद्धि, अगर दोष बढ़ जाएगा तो प्रॉब्लम करेगा। तो अग्नि जो है अगर बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली प्रॉब्लम करेगी, और अग्नि अगर कम हो जाएगी तो भी प्रॉब्लम करती है। तो अग्नि भी सम होनी चाहिए, समाग्निश्च। फिर बोला गया सम धातु मल क्रिया, धातु सम होनी चाहिए, मल सम होना चाहिए, और कर्म भी, क्रियाएं भी शरीर की सम होनी चाहिए, तब जाके तो शारीरिक रूप से हम स्वस्थ रह सकते हैं। और इसके साथ बात यहां छोड़ी नहीं, बोला प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन, जो अभी बात चल रही थी कि मेडिटेशन किया जाए, मेडिटेशन आत्मा और मन को प्रसन्न करने का काम है, इंद्रियों को समन्वय में रखने का काम है, इसलिए हमको मेडिटेशन की आवश्यकता होती है। तो प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन, अगर मन हमारा प्रसन्न नहीं रहता है, तो एक बहुत अच्छी कहावत कही गई थी, अप्रसन्नस्य चिंतस्य सर्वे रोगा भवन्ति। अगर मन प्रसन्न नहीं है, अप्रसन्नता मन में है या फिर चिंता मन में है, तो फिर निश्चित मान लीजिए, चिंता के लिए कहा जाता है चिंता चिता समान सी मगर फिर नह सार, एक जलाए नित्य ही एक एक ही बात। तो चिंता तो बड़ी समस्या है, आजकल स्ट्रेस इंड्यूस्ड डिजीजेस बहुत ज्यादा हो रही हैं। तो ये जो है ये स्वास्थ्य की परिभाषा थी।
WHO ने या फिर आजकल जो स्वास्थ्य की परिभाषा चल रही है उसमें चल रहा है बुखार नहीं होना चाहिए, उसी को स्वस्थ मान लेते हैं लोग। दर्द नहीं होना चाहिए, उसी को स्वस्थ मान लेते हैं रोग। तो केवल ये स्वास्थ्य की परिभाषा नहीं मानी जा सकती। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अगर स्वास्थ्य की परिभाषा यह है तो हम स्वस्थ शरीर के लक्षण किसको माने, हम कैसे जाने कि हम स्वस्थ हैं भी कि नहीं है, क्या ऐसी गड़बड़ी हो जाती है या क्या ऐसे लक्षण हैं जो हमारे शरीर में आ रहे हों तो हम स्वस्थ हैं। उसके लिए भी बहुत अच्छा एक स्लोगन लिखा गया, अगर हम केवल उस स्लोगन को याद कर लें तो, या फिर स्लोगन याद मत करिए आप, तो लिख के रख लीजिए एक पेपर पर, ये 7-8 लक्षण हैं इनको लिख करके दीवार पर चिपका लिया जाए और हर सप्ताह एक बार इन लक्षणों को जरूर पढ़ा जाए ताकि हम सजग रहें कि ये लक्षण अगर स्वास्थ्य के हैं, इन लक्षणों में से एक या एक से अधिक लक्षण अगर बिगड़ रहे हैं, मतलब थोड़ा सा हमको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ गई है। उन लक्षणों में पहला लक्षण होता है सर्व देहे च उष्णस्य समता, पूरे देह की उष्णता जो है, तापमान जो है, वो लगभग सम होना चाहिए। एकदम ऐसा नहीं होना चाहिए कि माथा बिल्कुल जला जा रहा है आग की तरह और पैर बिल्कुल ठंडे पड़े हुए हैं। हालांकि कहा जाता है कि सिर ठंडा पेट नरम और पैर गर्म, तो सिर ठंडा का मतलब ये नहीं होता कि सिर बर्फ के जैसा ठंडा हो और पैर बिल्कुल आग की तरह गर्म रहे। उष्णता सम के आसपास होनी चाहिए, कहीं ज्यादा तापमान का डिफरेंस नहीं हो, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण लाघवम, लाघवम का मतलब होता है हल्कापन, शरीर में कहीं भी भारीपन की फीलिंग नहीं होनी चाहिए, जैसे पेट भारी है, सिर भारी है, आंखों की पलकों को ऐसे करके उठाना पड़ रहा है, गिरी जा रही है पलकें, अगर ऐसा लग रहा है डेफिनेटली ये मान लीजिए कहीं ना कहीं रोग पनप रहा है। तीसरा सुखम, सुखम का मतलब है कि शरीर ऐसा महसूस करे कि बहुत बढ़िया लग रहा है, दुख का आभास शरीर में अगर आना चालू हो जाए, छोटी छोटी बात पर ऐसा लगे कि हम तो कुछ ही नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं शरीर अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहा है, आपको थोड़ा सजग हो जाने की आवश्यकता है। फिर एक होता है शुद्ध तीक्ष्णा, शुद्ध तीक्ष्णा का मतलब होता है तीखी भूख लगना, अगर तीखी भूख नहीं लग रही है इसका मतलब डेफिनेटली ये मान लीजिए कि शरीर में कहीं ना कहीं गड़बड़ी आना चालू हो गई है, आगे चल के कोई रोग पनप सकता है। गाढ़ निद्रा, गाढ़ निद्रा का मतलब है नींद गाढ़ी आनी चाहिए, और गाढ़ी नींद का मतलब होता है कि आप बच्चे की तरह सोएं, जैसे छोटा बच्चा अपन देखते हैं कहीं कहीं कि छोटे बच्चे को दादाजी के पास से माँ उठा के अपने कमरे में ले आती है और बच्चे को बता ही नहीं होता कि हम कहाँ सो रहे थे, और सवेरे पूछता है वो दादाजी के पास सो रहे थे, हमको मम्मी के कमरे में कौन लाया, और हमको अगर थोड़ा सा आलपिन भी गिरा दी जाए तो नींद खुल जाए, तो ऐसी स्थिति तो गड़बड़ है फिर। तो गाढ़ निद्रा, नींद गाढ़ी आनी चाहिए, अगर नींद गाढ़ी नहीं आ रही है डेफिनेटली प्रॉब्लम है, निश्चित ही रोग अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं। फिर आता है कि आप नींद गाढ़ी हो गई, मनसो अपि प्रसन्नताम, मन प्रसन्न रहना चाहिए, और मन प्रसन्न कब रहे, जैसे पड़ोसी की घर में खुशी आई है तो हमको उसमें खुशी मिलनी चाहिए, और अगर हमको कहीं थोड़ा बहुत भी जेलस फीलिंग आ रही है किसी से भी, डेफिनेटली ये मान लीजिए कि आज के लाइफस्टाइल में तो ऐसा माना जाता है कि ये तो संभव सी बात है, दूसरों की प्रगति देख करके जलन तो होती ही है, लेकिन जिसको दूसरों की प्रगति से जलन हो रही है डेफिनेटली कहीं ना कहीं रोग अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद बात आती है कि शरीर कर्म सामर्थ्य, शरीर में कर्म करने का सामर्थ्य होना चाहिए, अनालस्यम शरीरस्य, शरीर में आलस्य का भाव नहीं हो, आलस्य का भाव तो आजकल ऐसी स्थिति है कि अगर पानी की बोतल उठा के पानी पीना है तो घर में मेड से कहा जाता है भाई एक ग्लास पानी दे दे, और वो स्थिति अगर आ रही है तो डेफिनेटली ये मान लीजिए आलस्य जितना ज्यादा शरीर में आ जाएगा उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आना चालू हो जाएंगे। ठीक है, अनालस्यम शरीरस्य। इसके बाद स्वतः स्वेदो गमनः काले, सवेरे 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 मोशन और यूरिन अच्छे तरीके से एक बार में साफ हो जाता हो बिना किसी असिस्टेंस के, स्वतः
आजकल क्या हो रहा है कि सवेरे जागे किसी को चाय पीनी है, किसी को सिगरेट पीनी है, किसी को तंबाकू का मंजन करना है, किसी को चूरन खाना है, किसी को चटनी खानी है, उसके बाद पेट साफ हो रहा है, तो ये गड़बड़ी है। अगर ऐसा हो रहा है तो मान लो शरीर स्वस्थ नहीं है। इतने सारे ये लक्षण हैं, इन लक्षणों को अगर हम ध्यान में रख लेंगे तो निश्चित ही हम ये समझ सकते हैं कि हम पूरे तरीके से स्वस्थ हैं या नहीं। ठीक है, इतना बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक यस सर, है ना? यस हाँ, मास्टर। ओके। अब हम देखेंगे कि अब हमने ये तो देख लिया कि शरीर में स्वास्थ्य ये है, अब हम देखते हैं कि रोग क्या है, क्योंकि हमें तो शरीर को स्वस्थ करना है, तो किसको भगाना है तब शरीर स्वस्थ होगा? रोग को भगाना है। अगर हम रोग को भगाना चाह रहे हैं तो रोग को हमको समझना भी तो पड़ेगा, और रोग को समझना पड़ेगा तो फिर आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में रोग की परिभाषा या रोग के कारण में बहुत क्लियरली लिखा गया है, रोगस्तु दोष वैषम्यम। रोग कब होता है? जब दोष में विषमता आती है, पहला। दूसरा, नेचुरोपैथी में कहा गया सर्वे रोगा मलावसा, शरीर में सारे के सारे रोग तब होते हैं जब शरीर में मल का वास होता है, शरीर में गंदगी जमती है, और अगर शरीर में गंदगी जमी तो डेफिनेटली रोग होना चालू हो जाते हैं। आयुर्वेद में बहुत पुराने समय में कहा गया था सर्वेषां रोगाणां निदानं कुपिता मला, मतलब आपको कोई डायग्नोसिस कराने की जरूरत नहीं है, अगर मल कुपित हो रहा है तो डेफिनेटली कोई सा भी रोग हो सकता है, उसके लिए आपको किसी भी डायग्नोसिस की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये रोग के कारण माने गए, और अब रोग को खत्म करने का उपाय जो है आयुर्वेद में ही बहुत क्लियरली लिखा गया, शुद्धो देहा मनश्चयस्य सह जीवति वर्ष शतम्। शुद्धि अगर कर ली जाए, मनुष्य केवल अपने शरीर को शुद्ध कर ले तो वो 100 वर्ष तक जिंदा रह सकता है, और ये मैंने नहीं बोला, ये आयुर्वेद के शास्त्र में लिखा गया है, शुद्धो देहा मनश्चयस्य सह जीवति वर्ष शतम्। अगर मनुष्य सिर्फ शुद्धि कर ले, और अगर शुद्धि कर ले तो फिर अब बात आती है शुद्धि कैसे कर सकता है मनुष्य, तब फिर दो चीजें आती हैं, एक तो शुद्धि करे मतलब अशुद्ध है शरीर उसको गंदगी को निकाल करके शुद्ध कर ले, और दूसरा होता है शुद्ध अगर हो जाए तो शुद्धि रख ले, तो शुद्धि कर ले और शुद्धि रख ले। शुद्धि करने के लिए तो शुद्धि कर्म आवश्यक है, और शुद्धि रखने के लिए जीवन शैली आवश्यक है। तो जो टॉपिक था जीवन शैली, वो अब चालू होता है कि आप क्यों चाह रहे हो जीवन शैली का सही फॉलोअप, क्योंकि आप चाह रहे हो कि शरीर शुद्ध बना रहे, और शरीर शुद्ध बना रहे ये शुद्धि के दो रूपों में आता है, कि एक तो शरीर को शुद्ध करना और दूसरा शरीर को शुद्ध रखना। जैसे कमरे में गंदगी भरी हुई है, आप उस गंदगी को निकाल करके कमरे को साफ करो, ये तो पहला हो गया कि शुद्ध करना, और अब दोबारा वो कमरा गंदा नहीं हो इसका ध्यान रखो, ताकि जो रोज गंदगी फैल रही है रोज झाड़ू पोंछा करके उस कमरे को साफ करते रहो, इसको बोला जाएगा शुद्धि रखना। तो आप अगर शुद्धि करना और शुद्धि रखना कर लेते हैं तो फिर शुद्धि पूरी रहेगी, और उसके बाद फिर आपका शरीर पूरे तरीके से मजबूत रहेगा, स्वस्थ रहेगा, शरीर में किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं आ पाएगा। अब हम देखेंगे कि शुद्धि रखने के लिए जीवन शैली में किन-किन चीजों का नियमन आवश्यक है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हमको नियमित पालन करना चाहिए। सबसे पहला, पहले नंबर पर आता है ब्रह्म मुहूर्त उतिष्ठे। सबसे पहला काम जो दिनचर्या का है कि आप पूरे दिन में क्या करोगे, आपका रूटीन कैसा होना चाहिए तब आप स्वस्थ रह पाओगे, तो पहला है ब्रह्म मुहूर्त उतिष्ठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। अब आप पूछ सकते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है और ब्रह्म मुहूर्त में उठना क्यों आवश्यक है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे पाना, और ब्रह्म मुहूर्त में उठने से कौन से रोगों का शमन होता है, इसके लिए मेरे नाम से एक YouTube चैनल है, मेरे नाम से ही है, डॉक्टर रमाकांत शर्मा। उसमें लगभग 1000 के आसपास वीडियोस पड़े हुए हैं, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स पर वीडियो बने हुए हैं,
तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लाभ क्या हैं? ब्रह्म मुहूर्त किसको बोला जाता है? कौन से रोगों में केवल ब्रह्म मुहूर्त में उठना फायदा करेगा? ये अलग से वीडियो है, आप लोग अगर चाहें तो पूरा डिटेल में इसको समझ लेना, ठीक है? तो ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठे, पहला, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना चालू कर देना चाहिए। और ब्रह्म मुहूर्त का एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। तो हम सभी जानते हैं कि पूरे 24 घंटे को 8 प्रहर में डिवाइड किया गया है, ये तो हम सब जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? उंगली ऊपर कर सकते हैं जो लोग जानते हैं कि 24 घंटे को कितने प्रहर में डिवाइड किया गया है? 8 प्रहर में। 8 प्रहर मतलब 4 दिन के और 4 रात्रि के, ठीक है? तो रात्रि के जो 4 प्रहर हैं उनमें से अंतिम प्रहर जो होता है, जिसको ऊषा प्रहर बोला जाता है, उस प्रहर का सबसे लास्ट वाला मुहूर्त जो है, उस मुहूर्त को बोला जाता है ब्रह्म मुहूर्त। हम सब जानते हैं ब्रह्म का मतलब सूर्य होता है, तो सूर्य मतलब सूर्योदय के समीप वाला मुहूर्त जो है उसको बोला गया ब्रह्म मुहूर्त। और ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप केवल जागना चालू कर देते हो तो कई सारे रोगों का निराकरण होना चालू हो जाएगा, ठीक है? तो क्लियर है, ब्रह्म मुहूर्त में जागना पहला। अब दूसरा, जैसे ही आप जागेंगे, जागते ही ऊषापानम, ऊषापान, ऊषापान सब लोग समझते होंगे शायद, थोड़ा बहुत भी अगर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं या आयुर्वेद थोड़ा बहुत भी फॉलो करते हैं तो ऊषापान का नाम सुन रखा होगा। ऊषापान का मतलब होता है सवेरे सवेरे पानी पीना, इतना तो हम सब समझते हैं। लेकिन उसको ऊषापान क्यों बोला जाता है ये हम आज समझें। ऊषा मैंने अभी अभी बोला था, ऊषा प्रहर, रात्रि का सबसे अंतिम प्रहर जो सवेरे के पहले वाला है उसको ऊषा बोला जाता है। उस प्रहर में जग करके पानी पीना, तो ऊषा पान, ऊषा प्रहर में पानी पीना, इसलिए इसको बोलते हैं ऊषापान, ठीक है? और ऊषापान बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा, पूरा वीडियो है लंबा जिसमें आप ये समझ सकते हो कि ऊषापान क्या होता है, पानी कैसे पीना है, कितना पीना है, क्यों पानी सवेरे सवेरे पीना है। कई लोग तो कहते हैं कि सवेरे पानी पिए भी कि ज्यादा मात्रा में पानी नहीं पिया जाए। कुछ लोग तो और ज्ञानी है, वो कहते हैं आयुर्वेद में ऊषापान का कहीं कोई उल्लेख ही नहीं है। तो ये सब चीजें थोड़ा सा हटा करके ऊषापान का फॉलोअप करना चालू करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा आराम मिलना चालू हो जाएगा। क्यों करना है, कितना पानी पीना है, गर्म क्यों नहीं पीना है, तावे का क्यों नहीं पीना है, सब कुछ उसमें बताया हुआ है। तो ऊषापान बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा अच्छे तरीके से फॉलो करिए, समझ लीजिए उस वीडियो को देखकर, ठीक है? अब आता है कि ऊषापान के बाद फिर बारी आई मल विसर्जनम। तो एक चीज कही जाती है, एक चीज और कही जाती है कि सवेरे जग के पहले पानी पिया जाए या फिर पहले मंजन किया जाए, ये सामान्य एक प्रश्न होता है। तो क्लियरली बोला गया है कि आप सवेरे जगें, ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे ऊषापानम, उठते ही पानी पिए, मंजन नहीं करना है पहले। लेकिन अगर कोई चाहे कि मुंह सवेरे गंदा रहता है नहीं पी सकते हैं पानी, तो रात को मंजन करके सो सकते हैं, रात को मंजन करके सोइए, सवेरे सवेरे जल्दी से जगते ही पानी पी लीजिए, ये सबसे ज्यादा आवश्यक है, ठीक है? तो क्लियर हो गया कि ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे ऊषापानम। अब मल विसर्जनम, आजकल क्या हो रहा है, एक बड़ी समस्या है मेरे पास, रेगुलर कई सारे पेशेंट्स आते हैं कि पेट साफ नहीं होता सवेरे, एक बार में 2 बार जाना पड़ता है या 3 बार जाना पड़ता है या बहुत जोर लगाना पड़ता है और उसके बाद ही सिर माथा भारी हो जाता है सवेरे से ही। अगर ऐसा हो रहा है उसका एक कारण है सवेरे सवेरे मल पास करते समय जोर लगाना, नहीं लगाना चाहिए कतई। अगर आप जोर लगाते रहेंगे डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में रहेंगे। तो ऊषापान करके आप 10 मिनट रुक के फिर मोशन जाइए। आज से 20 साल 30 साल पहले गांव की जो स्थितियां थी, लोग जगते थे, एक लोटा पानी पिया और एक लोटा लेकर के चले 10 मिनट, लगभग लगभग आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर गांव से बाहर जा करके मोशन के लिए जाना पड़ता था और उतना वहां पहुंचते पहुंचते मोशन का इतना तीव्र सेंसेशन आ जाता था कि बैठे और पेट साफ हो गया और बैठे और 1 मिनट के बाद वापस आ गए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि यहाँ लेटे हैं और लेट करके आंखें खुली और चले गए सीधे
पांच कदम के बाद वेस्टर्न कमोड पे जाके बैठ गए, क्योंकि अटैच लेटवाद का जमाना है। तो वो एक बड़ा कारण बन रहा है आपके पेट के साफ नहीं होने का। अगर कोई कुछ पूछना चाह रहा है, किसी का हाथ आया हुआ है, कुछ अगर पूछना हो तो बीच में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर मास्टर नमस्कार बाद सर। में, शर्मा जी बाद में, पहले क्वेश्चन ये ले ले और बाद ठीक है में ठीक है आपको ठीक टाइम मिलेगा, आप बाद में सवाल पूछ ठीक लीजिए है ठीक प्लीज। है मैम ठीक है। ओके 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 थैंक यू। ओके ठीक है। नमस्कार। तो मैं ठीक क्या बता रहा था, मैं भूल गया, क्या आप उषा पान के बता आगे रहा चले था थे सर, उषा पान से क्या? आगे चले थे सर, लोटा लेके बाहर जाते, हाँ क्वेश्चन उषा तुरंत पान, यस। उषा पान के बाद मल विसर्जनम में जोर नहीं लगाना चाहिए। और बहुत क्लियर बात तो ऐसी है कि एनोरेक्टल एंगल जो आप वेस्टर्न कमोड पर जा रहे हैं, मजबूरी जिसकी है वो तो ठीक है, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, तो हम लोग ही प्रिस्क्राइब करते हैं कि जमीन पर नहीं बैठना है। जमीन पर बैठेंगे तो वो जो आपका लंबो सैक्रल एंगल बनता है वो गड़बड़ हो जाता है, तो कमर में दर्द आ जाएगा, या हाइपर फ्लेक्शन ऑफ नी ज्वाइंट है वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जिनको जमीन पर बैठने के लिए मना किया गया है वो तो ठीक है, लेकिन आजकल ट्रेंडिंग टॉपिक हो गया है कि वेस्टर्न कमोड ही घर में लगाए जा रहे हैं। आप अगर कहीं फ्लैट वगैरह बुक करते हैं तो उसमें तो इंडियन कमोड मिलता ही नहीं आपको। अगर आपको स्पेशली कहना पड़ेगा कि इंडियन कमोड चाहिए तो वो लगा के देंगे, नहीं तो गड़बड़ है। तो ये इंडियन कमोड में एनोरेक्टल एंगल, जो पेट जिससे बहुत अच्छे तरीके से साफ हो जाता था, वेस्टर्न कमोड में वो एनोरेक्टल एंगल ही नहीं बन पा रहा। तो कॉन्स्टिपेशन का कारण तो ये हो जाता है, और कॉन्स्टिपेशन के लिए तो आंग्ल भाषा अंग्रेजी में भी क्लियरली कहा गया है, कॉन्स्टिपेशन इज मदर ऑफ ऑल डिसीजेस। हमारे यहाँ हिंदी में पहले से कहा जाता रहा है, कब्ज सब रोगों की जननी है। तो कॉन्स्टिपेशन अगर हो गया तो रोग हो ही जाएंगे, और कॉन्स्टिपेशन होने का एक कारण होता है एनोरेक्टल एंगल का बिगड़ना, और उसके बिगड़ने में सहायक होता है आपका ये वेस्टर्न कमोड। तो जितने लोग इंडियन कमोड पर अभी बैठने के लायक हैं, जिनके घुटनों में कमर में दर्द नहीं है, वो लोग इंडियन कमोड का ही अगर यूज करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर नहीं कर पा रहे हैं, बाय चांस घर में नहीं है, तोड़ फोड़ नहीं करा सकते हैं, तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। आपने कहीं कहीं देखा भी होगा, छोटे बच्चे को अगर वेस्टर्न कमोड पर बिठाना होता है तो एक पाटा आता है, उसको वेस्टर्न कमोड के नीचे लगभग लगभग 6 इंच 9 इंच का पाटा, उसको आप सामने की तरफ से पीछे की तरफ खिसका लीजिए और वेस्टर्न कमोड पर बैठ जाइए, और उस पाटे पर पैर रख लीजिए। ये वो चीजें हैं जो जनरली आपको नहीं समझ में आएंगी, लेकिन अगर आप इनको करना चालू करोगे तो आपको फायदा होना चालू हो जाएगा। एनोरेक्टल एंगल को अगर आपको ठीक करना है तो वो पाटा लगाना आपकी मजबूरी हो जाएगी। आप लगाइए, पेट साफ होना चालू हो जाएगा, एक बहुत अच्छा काम है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर आता है दंत धावनम। जब आप मोशन होके आ जाएं, मोशन होने के पहले, अब चूंकि बिल्कुल बगल में ही वेस्टर्न कमोड लगा हुआ है, अटैच लेट बात है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप जल्दी पानी पी लो। पानी पीने के बाद थोड़ी देर आप वॉक कर लो, क्योंकि अब आप ऐसा तो है नहीं अपने घर से किसी दूसरे के घर में जा रहे हैं मोशन के लिए, अपने घर में ही जाना है, तो अपने घर में कॉरिडोर में चल लीजिए थोड़ी देर। चलने के बाद लगभग 5 से 7 मिनट 10 मिनट निकालने के बाद फिर आप मोशन के लिए जाइए, तो उससे पेट साफ अच्छे तरीके से होना चालू हो जाएगा। अच्छे से पेट साफ हो जाए उसके बाद दंत धावनम। दंत धावनम मतलब मंजन करना। मंजन करने में भी गड़बड़ियां हैं, इस वजह से दांत पूरे खराब होते जा रहे हैं। गड़बड़ी क्या है मंजन करने में, सबसे बड़ी गड़बड़ी है कि हम ऐसे ब्रश लेते हैं, ऐसे पेस्ट लगाते हैं उस पर, और पूरी ताकत से पूरे दांतों और मसूड़ों पर अपने पूरे हाथ का जोर अपना देते हैं। महीने 2 महीने में ही ब्रसल्स जो है ना, ब्रश के वो दांत मार देते हैं, ऊपर के ऊपर, नीचे के नीचे, आगे के आगे और पीछे के पीछे, ऐसे करके ब्रश पूरा फैल जाता है। अगर ऐसा आप कर रहे हो तो आप अपने ऊपर के दांतों के मसूड़ों को ऊपर, नीचे के दांतों के मसूड़ों को नीचे शिफ्ट करते जा रहे हो, और आपकी जड़ें दांतों की निकलना चालू हो जाएंगी। सेंसिटिविटी आने का कारण सबसे बड़ा ये है। तो ब्रशिंग टेक्निक बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा पूरा वीडियो है, आप किस तरीके से ब्रशिंग करें, ब्रशिंग टेक्निक है। पहले के समय में मूंग के दातुन करते थे लोग, तो ऐसे रगड़ना जो होता था ना, कि दांत के मसूड़े ही बिल्कुल छील दिए, वो गड़बड़ है। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ब्रशिंग टेक्निक का प्रॉपर यूज करिए,
ऊपर के दांतों पर ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे के दांतों पर नीचे से ऊपर की तरफ मंजन करेंगे, तो जो जड़ से दांत की तरफ आप ब्रश को चला रहे हो, तो जड़ जो है वो मसूड़ा जो है उसकी जो जड़ है वो निकलेगी नहीं, दांत की जड़ खुदेगी नहीं, खुदेगी नहीं तो सेंसिटिविटी नहीं आएगी। तो ब्रशिंग टेक्निक का प्रॉपर तरीके से यूज करके आप ब्रशिंग करिए। अब बारी आती है ब्रशिंग करने के बाद, आप एक आयुर्वेद का बहुत अच्छा तरीका है, एक बहुत अच्छा नियम है, उसको आयुर्वेद में तो कवलह बोला जाता था, कवलह या गंडूस बोला जाता था, अब उसको ऑयल पुलिंग के नाम से जाना जाता है, शायद आप लोग जानते होंगे। ऑयल पुलिंग मतलब एक चम्मच सरसों का तेल मुंह में भर के जोर से मुंह में चलाना, इतनी जोर से चलाना कि वो पूरे मुंह में जो भी दांतों के बीच में गंदगी फंसी हुई है, मसूड़ों में गंदगी है, जीभ पर गंदगी है, गालों पर कुछ चिपका हुआ है, गले में कुछ फंसा हुआ है, वो सब पूरा का पूरा साफ भी हो जाए और हर जगह प्रॉपर ऑयलिंग हो जाए अंदर। ये जो ऑयल पुलिंग है, लोग कहते हैं कि ऑयल पुलिंग तो जब छाले हो जाए तब करनी चाहिए, ऑयल पुलिंग नियमित की जाने वाली क्रिया है, रोज कर सकते हैं सवेरे मंजन करने के बाद। अब लोग कहते हैं मंजन करने के बाद क्यों, पहले कर लें उसके बाद मंजन कर लें तो क्या है, तो पहले मंजन कर लो अच्छे तरीके से, मुंह की गंदगी जो है पहले जनरली साफ कर लो, उसके बाद ऑयल पुलिंग होनी चाहिए। ऑयल पुलिंग कर ली, ऑयल पुलिंग करने के बाद फिर आप उस तेल को थूक देंगे, उस तेल को बाहर फेंक दिया, उस तेल को बाहर फेंकने के बाद फिर आप सादे पानी से कुल्ले गरारे कर लीजिए। कुल्ले गरारे करने के बाद फिर आपको नस्य करना है, नस्य मतलब नाक में घी लगाना। ये वो चीजें हैं, शायद मुझे लगता है एक भी चीज अभी तक ऐसी नहीं आई जो आप घर में नहीं कर सकते, सब घर में कर सकते हैं। और इन चीजों को घर में अगर आप करना चालू करेंगे तो आप देखेंगे कि 15 से 20 दिन के बाद आपके हेल्थ में कितना अच्छा प्रमोशन मिलेगा। ठीक है, नस्य। अब नस्य आज से 5000 साल पहले आचार्य बाघभट्ट जी ने नस्य को बोला था, उस समय प्रतिमर्श नस्य। प्रतिमर्श नस्य का मतलब दिन में 4-5 बार नाक में घी लगा लेना, ऐसे। नस्य की परिभाषा जो है उसमें उन्होंने क्लियरली बोला था ऊर्ध्व जत्रु विकारेशु, यहां ये जो हड्डी है ना जिसको क्लेविकल बोला जाता है, इस क्लेविकल के ऊपर के जितने भी ऑर्गन हैं और उन ऑर्गन से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां आ रही हैं, सारी बीमारियों के लिए ये नस्य सबसे बढ़िया उपचार माना जाता है। तो अगर आप नस्य सही तरीके से कर पाए तो नस्य आपके नाक को लुब्रिकेट रखेगा। आजकल एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है, समस्या का नाम है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। इस समस्या में सबसे पहले पहले तो आपको खर्राटे आना चालू होते हैं, खर्राटे आते हैं, किसी को थोड़े किसी को ज्यादा, और खर्राटे आते आते आपकी नींद की क्वालिटी खराब होना चालू हो जाती है। फिर आप रात को कम से कम 4-5 बार जागते हैं क्योंकि आपका गला सूख जाता है और अपने को लगता है नहीं हमको प्यास लग रही है, वो प्यास नहीं लग रही होती, वो आपकी नाक बंद हो जाती है घबराहट बेचैनी की वजह से, फिर आप एकदम से जागते हैं, फिर आपको लगता है कि गले में कुछ चीटियां सी काट रही हैं, गला सूख रहा है, लाओ पानी पी लेते हैं। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि नाक बंद होती है, मुंह से सांस भर रहे हैं आप, अगर मुंह से सांस भरेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। क्या गड़बड़ी होगी, जा का काम उसी को साजे, तू जा करे तो डंका बाजे, हमने शुरू से सुन रखा होगा। तो नाक का काम अगर नाक करेगी तो ही ठीक करेगी, नाक का काम अगर आप मुंह से लेंगे तो ठीक से नहीं होगा और गड़बड़ी होगी। तो नाक का काम नाक सही तरीके से करती रहे इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप नस्य करिए। नस्य मतलब नाक में गाय का घी गुनगुना करके। अब आप लोग ये कह सकते हैं कि गाय का घी कैसा हो, तो देसी गाय का होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अब कहते हैं कि देसी गाय का घी मिले ही नहीं तो क्या करें, अगर देसी गाय का घी नहीं मिल रहा है तो फिर आप बादाम रोगन तेल का यूज कर सकते हैं, लगभग 50-60% आराम मिलेगा, पूरा तो नहीं मिलेगा ये बिल्कुल कंफर्म है। फिर लोग कहते हैं कि नहीं हम तो वो सटबिंदु तेल या फिर अणु तेल डाल लें तो क्या, तो अणु तेल और सटबिंदु तेल औषधि है, औषधि दिनचर्या नहीं मानी जा सकती। ठीक है, जैसे गर्म पानी पीना औषधि है उसको दिनचर्या में नहीं डाला जा सकता, सवेरे सवेरे उठ करके जो लोग गर्म पानी पी रहे हैं अपने शरीर का नाश कर रहे हैं, बहुत गलत बात है, कतई नहीं हो सकता, वो औषधि है।
और ऐसे ही यहाँ अड़ू तेल और षटबिंदु तेल डालना औषधि है, कोई रोग हो तब आप डाल सकते हैं। नियमित जो नस्य की बात जो आचार्य भागवत ने करी थी वो अणु तेल की नहीं करी थी, वो केवल स्नेहन के लिए बोला था। नाक में चिकनाई पहुंचे, सबसे बढ़िया चिकनाई घी में होती है। अब घी को कैसे तैयार किया जाए, चिकनाई घी की कब मेंटेन बनी रहती है, इसके लिए आप नस्य बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा वीडियो है, उसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, ऑयल पुलिंग का भी वीडियो है, सारे वीडियो मिल जाएंगे। अब हम देखें, नस्य हमने कर लिया, नस्य करने से नाक को खोल लिया। अब नाक खुल गई तो हम क्या करेंगे, अब पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना है। आजकल अभी शायद बीच में अगर आप लोग जैसे हेल्थ से रिलेटेड न्यूज पढ़ते हैं तो कुछ लोगों ने पढ़ा होगा कि लैंसेट ग्लोबल हेल्थ जो रिपोर्ट है वो आई है, अभी 5-7 दिन पहले की बात है। उसमें उन्होंने लैंसेट ग्लोबल जो मैगजीन है हेल्थ की, उन्होंने एक रिसर्च पेपर निकाला है और वो कह रहे हैं कि मोर देन 50% ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन इन इंडिया ये फिजिकली अनफिट हो गए हैं, और ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट है तो ये गलत नहीं हो सकती। वो कह रहे हैं कि मोर देन 50% पॉपुलेशन ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन इन इंडिया इज फिजिकली अनफिट ड्यू टू लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। तो ड्यू टू लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी का मतलब क्या है, शारीरिक श्रम या शारीरिक व्यायाम नहीं करने की वजह से जो भारतीय युवा लोग हैं, अभी हम बीच में सुन भी रहे होंगे कि भारतीय युवाओं को तो पता नहीं क्या ही हो गया है, डीजे पे नाच रहे थे और हार्ट अटैक आ गया, ट्रेडमिल पर दौड़ रहे थे और हार्ट अटैक आ गया, शादी में थोड़ा बहुत उछल कूद करी थी और हार्ट अटैक आ गया, जिम में गए थे हार्ट अटैक आ गया, ये सब आपने सुना होगा। रीजन कुछ लोग कह रहे हैं कि कोविड की वजह से हो गया, कुछ लोग कह रहे हैं कोविड की वैक्सीन की वजह से हो गया, लेकिन जो मूल कारण है वो आज भी लोग मानने को तैयार नहीं है, समझ तो रहे हैं। मूल कारण है काम नहीं करने की मन की प्रवृत्ति। मन ये कहता है कि पूरे दिन राजाओं की तरह चुपचाप बैठे रहें, कतई हमको तो कोई ये भी नहीं कहे कि पानी भी अपने हाथ से पी लो। जब तक ये प्रवृत्ति बनी रहेगी तब तक स्वस्थ नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि ये चीज भगवान श्री कृष्ण ने बोली थी, मैंने नहीं बोली, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश जब दे रहे थे अर्जुन को तब बहुत क्लियरली बोला था, युक्ताहार विहारस्य युक्त स्वप्न युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो जो युक्त आहार और विहार दोनों की बात करी गई थी कि आहार भी ठीक हो विहार भी ठीक होना चाहिए। आहार तो ठीक नहीं, बहुत ठीक है, और बहुत मतलब इतना ठीक है कि इतना ठीक होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन विहार बिल्कुल भी ठीक नहीं है। विहार का मतलब व्यायाम या श्रम। अब श्रम तो है नहीं, क्योंकि श्रम तो सब मेरा ही काम, पूरे दिन बैठ के पेशेंट देखना है, सवेरे से लेके शाम तक इसी तरह मुंह चलाना है, लेकिन इस काम को करते करते अगर हम सवेरे शाम व्यायाम नहीं करें तो फिर डेफिनेटली बीमारी जड़ बनाना चालू कर देगी शरीर में। शरीर में अगर एक बार बीमारी आ गई तो उसको हटाने में बहुत मेहनत लगती है, अगर बीमारी नहीं है शरीर में तो उसको बहुत आसानी से मैनेज किया जा सकता है। तो व्यायाम अति आवश्यक है, अगर व्यायाम नहीं करेंगे तो निश्चित ही गड़बड़ी होगी, व्यायाम कंपलसरी करना है। अब व्यायाम में लोग कहते हैं कि व्यायाम हम तो कर ही नहीं सकते, हम तो टहल ही नहीं सकते, हमारे तो घुटनों में दर्द है। तो ये बात कि केवल टहलना ही सारे व्यायाम हैं, ऐसा तो है नहीं, व्यायाम तो हर व्यक्ति के लिए अनेक प्रकार के व्यायाम हैं। आप अगर टहल नहीं सकते क्योंकि घुटनों में दर्द है तो आपके लिए अलग व्यायाम होगा, आप अगर बैठ करके कमर को ज्यादा मोड़ना तोड़ना नहीं कर सकते क्योंकि आपको स्लिप डिस्क हो गई है, PIVD हो गया है, तो आपके लिए अलग से व्यायाम होगा। आप अगर मान लो आगे नहीं झुक सकते क्योंकि आपको हाइटल हर्निया हो गया है तो आपके लिए अलग से व्यायाम हो जाएगा। आप अगर पीछे नहीं झुक सकते क्योंकि पोस्टीरियर बल्ज हुआ है आपके लंबो सैक्रल रीजन में, आपके लिए अलग से व्यायाम होगा। तो स्पेसिफिक एक्सरसाइज थेरेपी होती है, आप बच नहीं सकते, आप ये नहीं कह सकते कि हमसे तो कुछ ही नहीं हो रहा, आपको निकाला जाएगा कि आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए क्या जरूरी है वो आप कर लीजिए। अभी जो आजकल चल रहा है जिसको चलन योग का माना जा रहा है,
योग में 8 विशेष अंग हैं, अष्टांग योग जो महर्षि पतंजलि जी ने लिखा, उन्होंने बहुत सिंप्लीफाइड करके कर दिया चीजों को कि आप क्या चाहते हो, आपको कहां तक पहुंचना है, तो आपको कितनी मेहनत करनी है। अष्टांग योग में उन्होंने 8 पद बनाए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ध्यान और समाधि, या फिर मैं कहूं कि धारणा ही, तो लगभग लगभग ये अंतरंग योग में आते हैं। योग दो भागों में विभाजित है, एक बहिरंग योग और एक अंतरंग योग। बहिरंग योग जो कोई भी कर सकता है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, मैं कहूं बहिरंग योग में यम नियम करना तो अति का दुर्लभ है, यम नियम तो होते ही नहीं है। यम का मतलब होता है सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, कौन फॉलो कर रहा है, कोई नहीं कर पा रहा। दुकान पे अगर कोई बैठा हुआ है उसको कहो सत्य बोले तो फिर कमाएगा कैसे, तो चीजें बड़ी गड़बड़ है। फिर नियम, नियम जो है उसका फॉलोअप कुछ कुछ किया जा सकता है, सौंच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, ये नियम है, इनका फॉलोअप कुछ कुछ किया जा सकता है। इसके बाद आसन आता है, तो आसन के पहले लूजनिंग एक्सरसाइजेज, ज्वाइंट एक्सरसाइजेज, बहुत सारी चीजें चलती हैं, फिर प्राणायाम आता है, और फिर जो भी आजकल हम कर रहे हैं सब प्रत्याहार है। प्रत्याहार का मतलब अपनी इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटा करके आंतरिक विषयों पर लगाना, ये प्रत्याहार है। अंतरंग योग होता है धारणा, ध्यान, समाधि। तो अंतरंग योग तो थोड़ा मुश्किल है, जो उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है, बहुत प्रैक्टिस करने के बाद कोई उसका फॉलोअप कर सकता है, तो वो अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहे, बहुत बढ़िया रहेगा। तो व्यायाम बहुत आवश्यक है, आहार और व्यायाम दोनों चीजें अगर सही तरीके से फॉलो होंगी तो डेफिनेटली हम पूरे तरीके से स्वस्थ हो सकते हैं। अगर हम इन दोनों चीजों को छोड़ करके, मेरे पास कई फोन आते हैं कि सर आप तो ये बता दो कि कौन सी दवाई खा लें ताकि हमारी गैस्ट्राइटिस ठीक हो जाए। नहीं होगी, गैस्ट्राइटिस मैनेज जरूर हो सकती है दवाई से, अगर आपको ठीक करना है तो अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करना पड़ेगा। लाइफस्टाइल को ठीक किए बिना गैस्ट्राइटिस ठीक नहीं कर सकते। अब मैं कुछ ऐसी चीजें बता देता हूं जो जनरली आप ये इतना तो फॉलो कर ही सकते हैं, कुछ दो तीन चीजें हैं जो बहुत शॉर्ट में बता देता हूं, उसके बाद आप लोग प्रश्न पूछ लेना। पहला पहला नियम ये बिल्कुल रख लीजिए ध्यान में, खाने को पिए और पानी को खाएं, ये नियम आप अपने डाइनिंग टेबल के सामने बिल्कुल बड़े बड़े अक्षरों में लिख करके चिपका लीजिए कि जब भी खाने को खाएंगे आप खाने को पिएंगे और पानी को खाएंगे। खाने को पिए और पानी को खाएं का मतलब ये होता है कि जो आप सॉलिड मुंह में डालोगे उसको इतना चबाओ कि बिल्कुल पानी हो जाए मुंह में ही। अगर आपको डाइजेस्टिव ट्रबल से बचना है तो इससे बेहतरीन उपाय आपके लिए दूसरा और पूरी दुनिया में कोई नहीं, ठीक है। तो खाने को पिए, पानी को खाएं मतलब पानी को हम ऐसे, जैसे ये बॉटल है और ऐसे करके पूरा मुंह ऐसे उघाड़ दिया और पानी ऐसे करके उड़ेल दिया, एक तो वो तरीका होता है, और जिस तरीके से आजकल लोग पानी पी रहे हैं, एक तरीका होता है कि इंडियन कल्चर जो पानी पीने का था वो ऐसे था, अगर आपको किसी को याद हो, थोड़ा बहुत भी कोई पीछे जाके देखेगा तो पहले पानी ऐसे पीते थे, उसके बाद पानी ऐसे पीने लग गए, उसके बाद लोटे से पीने लग गए, फिर ग्लास से पीने लग गए, और आजकल फिर ग्लास में भी तहजीब आ गई कि नहीं ग्लास झूठा हो जाएगा ऊपर से डाल लेते हैं, तो ग्लास तो वैसे भी आपके हाथ में आ गया है तो अगला धोएगा ही, तो आप उसको मुंह पे लगा के ही पी लो, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। फिर पानी को खाएं का मतलब ये होता है कि चाय की तरह बिल्कुल सिप कर करके पानी को पिया जाए, ये विशेष नियम है, इसको लिख कर रख लीजिए। दूसरा एक विशेष और नियम है, वो है शाम का खाना आप कैसे भी करके 7 बजे के पहले पहले खा लीजिए। 7 बजे के पहले पहले शाम का खाना खाके 3 से 3.5 घंटे का गैप बना लीजिए आप खाने और सोने में, ये आपके शरीर को हील कराने में बहुत अच्छे तरीके से मदद करेगा, ठीक है। एक आप विशेष नियम बना लीजिए, दिन भर में कम से कम 7 से 8 गिलास पानी तो पीना ही है, उषा पान अलग है, उषा पान का पानी इसमें काउंट नहीं होगा, ठीक है। तीसरा नियम बना लीजिए, दिन भर में 1 घंटा नियमित व्यायाम करना है। अब व्यायाम आप लोग अगर स्पेसिफिकली अपनी कोई समस्या हो तो उस समस्या के अकॉर्डिंगली प्लान करवा सकते हैं, आपको लगे कि आप मुझसे करवाना चाहें मुझसे करा लीजिए, या आसपास आपके जो भी कोई फिजिकल ट्रेनर हो या फिर जो डॉक्टर्स होते हैं उनसे करवाइए, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, तो वो करवा सकते हैं। फिर एक ध्यान रखना है अपने को कि सप्ताह में कम से कम 1 बार आप अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को थोड़ा रेस्ट दीजिए,
अगर आप अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को रेस्ट देंगे तो निश्चित ही बहुत अच्छा आराम मिलना चालू हो जाएगा। उसके लिए सप्ताह में एक दिन हल्का भोजन कर लीजिए, बिल्कुल हल्का फुल्का सा, बहुत बढ़िया रहेगा। आप केवल फल पर रह जाइए, केवल उबली सब्जी पर रह जाइए, केवल जूस पर रह सकते हैं तो और भी अच्छा है, या फिर आप दो दो तीन तीन रोटी खाते हैं तो एक एक रोटी कर दीजिए दिन में 2 बार सवेरे शाम, वो भी अपने आप में ठीक रहेगा। ठीक है, इसके अलावा जो हमने अभी किया वो था प्रेयर, तो प्रेयर दिन में 2 बार जरूर की जाए ताकि हम मानसिक रूप से भी सुदृढ़ रहें, मजबूत रहें। तो प्रेयर ट्वाइस इन अ डे ये कंपलसरी है, इसको जरूर ध्यान में रखा जाना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे एक और नियम है जिसका फॉलोअप कंपलसरी हमको करना चाहिए। आयुर्वेद में बहुत क्लियरली लिखा गया था कि अजीर्णे भैषजम वारी, अजीर्णे भैषजम वारी का मतलब है कि अगर आपको पेट में भारीपन लग रहा है, अजीर्ण जैसा लग रहा है, तो पानी पीना औषधि के समान है, पानी ज्यादा पीजिए ऐसे समय में। हाँ, अगर पेट भारी है पानी का ज्यादा उपयोग करिए, भोजन कम, सॉलिड फूड कम से कम, लिक्विड ज्यादा, लिक्विड में भी क्लियर पानी ज्यादा। जीर्णे वारी बल प्रदम, जीर्णे वारी बल प्रदम मतलब जब खाना पच जाए उसके बाद जल पिया जाएगा तो वो आपके शरीर को बलशाली बनाने का काम करता है। लगभग खाने के 2 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए, अगर आप पहले पीना चाहें तो कम से कम 1 घंटा तो रुकी जाइए खाने के बाद। ठीक है, फिर होता है कि अगर आप भोजने च अमृतम वारी, भोजन करते समय थोड़ा थोड़ा पानी पी सकते हैं, लेकिन भोजनांते विषम प्रदम, भोजन के अंत में पानी पीना विष के समान होता है। इतनी सारी चीजें आज पर्याप्त हैं, अब बाद में देख लेंगे, अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ ले। यस मास्टर, जिसको जो पूछना है पूछिए। नहीं आपने नियम का उल्लंघन कर दिया सर। ठीक आप तो आंखें खोलनी डॉक्टर साहब ने, आंखें है, खोल आप ली पूछिए। आंखें पानी चलो, आगे खुली रखनी चाहिए। जो है बोतल मुंह से लगाइए आराम से और घूंट भर लीजिए और धीरे धीरे करके पी लीजिए, कोई इशू नहीं। अपनी बॉटल है, मेरे नाम की है, जरूरी नहीं है कि झूठी कर दें, दूसरे को इसी से पिलाएं, दूसरी बॉटल रख लो, लेकिन पानी अगर आपको पीना है तो बिल्कुल धीरे धीरे ही पिया जाएगा। ठीक है, पानी को कभी भी जल्दी में, जैसे ऐसे होता ना ये वाला, वैसे नहीं, ऐसे करके मुंह में भर लिया और धीरे धीरे करके उसको आराम से निगलिए, वो चलेगा, कोई इशू नहीं, वही तो कर रहे हैं जी। उषा पान में गर्म पानी नहीं पी सकते क्या? ये बहुत लंबे समय से पीने की आदत है। हाँ, देखिए उषा पान में अगर आप गर्म पानी पीते हैं तो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं, जैसे मेरी ये टी शर्ट है, इस टी शर्ट के बगल में यहाँ पर एक लीफलेट आता है, जब इसको खरीदा गया था ना तो यहाँ लिख करके आया, ये ऐसे करके यहाँ लिख करके आता है, उस पर क्लियरली लिखा रहता है नेवर वॉश दिस क्लॉथ इन हॉट वाटर, गर्म पानी में इस कपड़े को नहीं धोए। कितने की आई? 1200 रुपए की। 1200 रुपए की टी शर्ट पर एक मैनुअल लिखा हुआ है कि आप इसको गर्म पानी से मत धोइए। तो 12,000 करोड़ की हमारी जो बॉडी है उसमें कम से कम 6,000 करोड़ की हमारी जो पाचन तंत्र की व्यवस्था है, वो व्यवस्था इससे ज्यादा सॉफ्ट मसल फाइबर से मिलके बनी हुई है। तो जब ये टी शर्ट बनाने वाले ये कह सकते हैं कि गर्म पानी से धोएंगे तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ढीली हो जाए तो आप खुद ही समझें कि गर्म पानी पी पी करके आप अपनी आंतों की दीवारों की मांसपेशियों को कितना ढीला बना रहे हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है, इसको लोग अभी समझ नहीं रहे हैं, लेकिन जो लोग 5 साल 6 साल से गर्म पानी पी करके, मैं यहाँ 20 साल से हूं लगभग, और मैंने लगभग 1 लाख पेशेंट देखे हैं, तो जो गर्म पानी पी पी करके अपनी आंतों को शिथिल कर लेते हैं, वो लोग फिर सनाए की पत्ती का काढ़ा भी लेते हैं ना तो भी पेट साफ नहीं होता, क्योंकि आंतें बिल्कुल शिथिल हो जाती हैं, आंतें शिथिल ही हो गई, आंतें जोर ही नहीं बना पा रही। तो पानी तो हमेशा सादा पीना चाहिए। और दूसरी चीज,
जब हमारे पूर्वज बाहर लेटते थे, गांव में अपने घर के बाहर चबूतरे पर लेटते थे, चबूतरे पर लेटने के बाद वो अपने खाट के नीचे एक लोटा रखते थे, उस लोटे में रात को पानी भर करके रख दिया जाता था कि दादाजी बाहर लेटे हैं, पानी भर के रख के आओ। और खुले में लेटे हुए हैं दादाजी, तो वो पानी सवेरे गर्म मिलेगा कि ठंडा मिलेगा? ठंडा ठंडा मिलेगा। मिलेगा ना। और उस पानी को पी करके लोग गांव से बाहर जाते थे मोशन के लिए, हमेशा स्वस्थ रहे। तीसरी चीज कि अगर आप पानी को गर्म करके उपयोग में ले रहे हैं, तो आप कब ले सकते हैं? जब आपका कफ बढ़ा हुआ हो, या फिर जब आपका वात बढ़ा हुआ हो, क्योंकि वात की प्रकृति भी शीत होती है और रुक्ष होती है, कफ की प्रकृति स्निग्ध होती है और शीत होती है, शीत मतलब ठंडी। तो ठंडी प्रकृति की समस्या में आप गुनगुना पानी पीजिए, लेकिन कब? औषधि के रूप में कुछ समय के लिए। जैसे गला किसी का बहुत खराब हो रहा हो, गला बैठा जा रहा हो, या फिर अस्थमा का अटैक आ रहा हो, या फिर बहुत जुकाम हो गया हो, ऐसे समय पे आप औषधि के रूप में गुनगुने पानी का उपयोग करिए। लेकिन लाइफस्टाइल आप गुनगुने पानी को नहीं बना सकते। डेफिनेटली इसको, हमारा 240 बेड का हॉस्पिटल है, और कोई भी चीज मैं जनरली ऐसा ही नहीं बोलता, मैं शास्त्रोक्त बोलता हूँ जो भी बोलता हूँ पहले के समय में। आजकल जो रिसर्च निकल रही है ना, उन पर भी ज्यादा भरोसा नहीं है, लेकिन जो पुराने ग्रंथों में लिखा हुआ है उसकी एक एक लाइन पर आज बड़ी बड़ी एक एक किताब लिखी जा रही है, तो कतई गलत नहीं हो सकती वो चीज जो पुराने समय में बोली गई है। और आयुर्वेद में कहीं भी गर्म पानी पीने का उषापान में कहीं वर्णन नहीं है, ठीक है? तो पानी सादा ही पिया जाना चाहिए, ठीक है ओके सर। जी? शास्त्र कोई और कुछ, किसी और का कोई सवाल? मैम यस सोनिया नमस्ते। जी बोलिए। नमस्ते। मैम आपने खिड़की खोली मैम, आपके इतने सुंदर सर है दिन मैम खिड़की बंद क्यों रखते हैं? हाँ हाँ जी, जी मैम ओके सर नमस्ते। आवाज आ नहीं रही मुझे। हाँ नमस्ते सोनिया, वो थोड़ा सर, नेटवर्क, नमस्कार आवाज सर। मैं नहीं पूछना चाहती हूँ, ज्यादा जो है सर आ वो मेरा ज्यादा चलता है। जी। मैं आवाज पूरी समझ में नहीं आई, क्या पूछ रहे हैं? पूछ रही हूँ, जैसे मैं प्राणायाम करती हूँ सर, तो ज्यादातर मेरा नॉस्ट्रल जो है ना सर, मैं जब भी चेक करती हूँ मॉर्निंग, जब मॉर्निंग उठना, इवनिंग में अभी भी चेक करती हूँ, तो ऑलवेज सर मेरा ना राइट नॉस्ट्रल ज्यादा रनिंग में होता है, तो हाँ इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे प्लीज इसके लिए देखिए, बता दो। राइट राइट नॉस्ट्रिल का मतलब होता है सूर्य नाड़ी। जी सूर्य सर नाड़ी अगर ज्यादा चल रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो आपके शरीर में गर्मी पैदा कर रही है। स्वर विज्ञान एक पूरा पूरा का पूरा एक टॉपिक है बड़ा, उसमें केवल नाक में नॉस्ट्रिल में कॉटन लगा करके कई सारी बीमारियों का निदान किया जाता है। लेकिन अगर आपकी राइट नॉस्ट्रिल ज्यादा चलने की वजह से आपका सिर भारी होता है, या राइट नॉस्ट्रिल ज्यादा चलने, क्योंकि सूर्य नाड़ी चल रही है तो सूर्य की गति, सूर्य की भावनाएं, सूर्य की तासीर आपके अंदर आएगी। तो सूर्य की तासीर क्या होती है? ओज की और तेज की। तो ओज और तेज आए तब तक तो ठीक है, लेकिन सूर्य का ताप अगर आपके शरीर में आना चालू हो जाएगा तो वो नुकसानदायक होगा। अगर ताप आने लग गया है, तो फिर आपको कैसे भी करके सूर्य नाड़ी पर थोड़ा सा कॉटन का एक ऐसे करके, कॉटन को पूरा फैला फुला करके नाक में कॉटन लगा दीजिए राइट वाले नॉस्ट्रिल में। तो जैसे ही आप इसके फ्लो को थोड़ा ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, तो ये वाला भी धीरे 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 करके ओपन अप होना चालू हो जाता है। बाकी आप इसके लिए नाड़ी शुद्धि प्राणायाम जो होता है, नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम, इसका अभ्यास कर सकते हैं, ये काफी इफेक्टिव रहेगा, ठीक है?
और कुछ आवाज? हाँ जी सर, नमस्कार नमस्कार। सर। मेरा ये था कि ये प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट के लिए क्या है जी? कोई PSA बड़ा हुआ है मेरा, 4 से ज्यादा है, और कोई 5-6 सालों से प्रॉब्लम है, ये क्या करें उसके मतलब लिए? PSA भी ज्यादा आ रहा है मैंने क्या? अब 4 से ज्यादा आ रहा है, 4.15 है। तो उसमें ऐसा था कि सर्जरी के लिए डॉक्टर ने बोला, बट मैं सर्जरी के लिए गो फार नहीं किया, क्योंकि सर्जरी के बाद दोबारा फिर हो जाता है। तो मैंने आयुर्वेदिक की कुछ एलोपैथिक ये होम्योपैथी दवाइयां ली, और बट उसमें फिर 30% रह रहा है पीछे, फोर्टी मैं फाइव समझ क्या गया करें? समझ हाँ गया। देखिए, जी अगर प्रोस्टेट केवल नॉर्मली बढ़ा हुआ है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर प्रोस्टेट का साइज बढ़ने के साथ साथ PSA ज्यादा आ रहा है तो आपको बहुत ज्यादा या तो ध्यान में रखने की आवश्यकता है चीजों को, और या फिर सर्जरी करा लीजिए। क्योंकि PSA का मतलब प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, मतलब ये आपको उधर की तरफ इशारा करता है कि आगे पीछे चलकर कहीं प्रोस्टेट कैंसर ना हो जाए। ठीक है, तो जी जी अगर PSA 4 से भी ज्यादा आ रहा है, आप इसको लापरवाही मत दीजिए, इसको बाहर करवाइए। क्योंकि नेचुरोपैथी है, हम तो हमेशा ही ये सर्जरी वर्जरी के अगेंस्ट रहते हैं, जी लेकिन हम सर्जरी के जितने अगेंस्ट हैं उतना ही ज्यादा पेशेंट को बचाने के फेवर में रहते हैं। तो पेशेंट को अगर जी सर्जरी से लाभ मिले तो तुरंत ही ऑप्ट कर लेना चाहिए। नहीं बट प्रोस्टेट सर, की इसमें सर्जरी है, आप एक बार जैसे इस इसको निकलवा दोगे तो ये PSA की वजह से जो एकदम से कहीं चांसेस उधर की तरफ तो ना चले जाएं, वो एक तो खत्म हो जाएगा। दूसरा ये हाँ है कि जी अगर प्रोस्टेटोमेगेली है, वैसे ही नॉन PSA अगर है, PSA आपका ज्यादा नहीं आ रहा और प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर हम प्रोस्टेट का कंप्लीट ट्रीटमेंट करते हैं। अगर प्रोस्टेट 45 ग्राम भी हो गया हो तो भी हमने नॉर्मल किया है, लेकिन PSA अगर ज्यादा है तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर आप चाहें तो PSA ज्यादा के साथ में PSA को नॉर्मल करना प्लस प्रोस्टेट के साइज को कम करना प्लान किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा रिस्क लेके चलते हैं इसमें, तो रिस्क ना लिया जाए ज्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। सर, ऐसा है ना, तो 4.5 है, बॉर्डर पे है, 4 तो वैसे ही एडमिसिबल है, 4 तक नहीं, PSA चलता है। 4 एडमिसिबल है, लेकिन अगर वो बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो अपना मन PSA हायर साइड में होने का बना चुका है। तो अगर अच्छा बना चुका है तो दो ऑप्शन रहेंगे, या तो आप अगर ये मान लो कि आप स्ट्रिक्ट फॉलोअप कर लोगे, PSA को ही नॉर्मल कर लेना है हमको, तो अगर हाँ स्ट्रिक्ट जी फॉलोअप कर लेंगे डेफिनेटली आराम मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? उसमें आपको फिर प्रोस्टेट को कम करने के साथ साथ जो प्रोस्टेट पर PSA बढ़ाने के फैक्टर्स हैं, फिर आपको रॉ जी डाइट पर आना पड़ेगा, फिर आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत हैवीली करनी पड़ेंगी, ज्यादा समय के लिए करनी पड़ेंगी। क्योंकि हाँ आयुर्वेद जी में अभी अभी मैंने बताया था ना कि शरीर किससे मिलके बना, रसो रक्त ततो मास। प्रोस्टेट क्या है? जी मास है। मास है तो किससे बना? पहले रस बना। कहा जाता है ना कि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, तो जैसा जी खाए अन्न वैसा मन नहीं होता, जैसा खाए अन्न वैसा होता है खून, फिर खून से बनता जी है मांस, तो जैसा खाए अन्न वैसा बनेगा मांस। तो मांस में अगर कहीं गड़बड़ी आ रही है, प्रोस्टेट में कहीं गड़बड़ी आ रही है, तो आपके अपने डाइट के और वो जो डाइट आपने ली है उसको पूरे शरीर में सर्कुलेट कराने के लिए फॉलोअप करना पड़ेगा। अगर स्ट्रिक्ट फॉलोअप कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं आप लीनियंसी बरतने के मूड में हैं तो आप पहली फुर्सत में प्रोस्टेट का ऑपरेशन करा देना, क्योंकि लापरवाही नहीं की जा सकती, लापरवाही में नुकसान होगा। नहीं बट सर, ये ऑपरेशन करने के बाद कहते हैं दोबारा फिर हो जाता है ये। नहीं, ऑपरेशन करने, जब प्रोस्टेट PSA की वजह से अपन ऑपरेशन कर रहे हैं तो प्रोस्टेट का वो बढ़ा हुआ मास थोड़ी निकालेंगे, पूरे प्रोस्टेट को निकाल के बाहर करेंगे, खत्म हो गया, फिर क्या अच्छा बढ़ेगा? जब प्रोस्टेट हाँ जी प्रोस्टेट का मतलब क्या है? ये यूरेथ्रा, ये प्रोस्टेट ऐसे करके है। अब आप जब हाँ इसको जी निकाल के बाहर ही फेंक दोगे तो बढ़ेगा क्या? नेचुरली नेचुरली हाँ, हाँ, यूट्यूब में देखा, वो कहते हैं बढ़ जाता है, ये होता है वो होता है नहीं, वो वैसे। यूट्यूब हाँ तो देखिए ऐसा है कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जहां हो ना प्लीज वही देखा करें। प्रोस्टेट हाँ जी हाँ एनलार्जमेंट जी बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा, मैंने वीडियो बनाया हुआ है प्रोस्टेट का, आप उसको देख हाँ जी लेना एक, तो उसमें जी आपको जी कंफर्म समझ में आ जाएगा प्रोस्टेट क्या है, बढ़ने के कारण क्या है, क्या क्या नुकसान होते हैं, PSA बढ़ जाता है तो क्या है, मैनेजमेंट कैसे हो सकता है। मैंने उसमें क्लियरली बोला हुआ है कि अगर आप फॉलोअप करने के मूड में नहीं है तो प्लीज सर्जरी करा दें, क्योंकि मैं चाहता हूं जी कि पेशेंट ठीक रहे, सर्जरी करा के रहे या बिना करा के रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
वैसे इसके योगासन भी बताते हैं सर, योगासन 4-5 मैं करता तो हूँ, करता हूँ मैं, स्वामी रामदेव बोलते हैं वो उनको करता हूँ, और फिर वो गूगल वगैरह बोलते हैं, गूगल वगैरह ये करो करो, गोखरू वगैरह वो तो वो भी खाता हूँ। तो फिर आप एक काम करना, आप प्रोस्टेट अच्छा एनलार्जमेंट का योगा है, योगा फॉर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा, वो पूरा एक वीडियो है, योगा कराया है उसमें, उसको देख जी लेना, जी हाँ वो ठीक है? करता हूँ ठीक सर। जी, ठीक है सर, थैंक यू, है जी। ठीक, थैंक ये थैंक। सनीला जी बोलिए। हेलो सर, यस मेरी मैम बोलिए। हमेशा हाँ, हमेशा मेरी उल्टी नाक से सांस आती जाती है। बाई नासिका से आती हाँ, है, बाई बाई से। अभी एक प्रश्न था कि दाई से ही आती जाती है, अपनी जैसे बाई से आती जाती है, बाई का मतलब हो गया चंद्र नाड़ी, चंद्र नाड़ी अगर बाई का हो गया तो चंद्रमा की तासीर, चंद्रमा की तासीर मतलब ठंडक ज्यादा का राइट। मतलब शरीर में ज्यादा से ज्यादा शिथिलता रहेगी, थोड़ा ठंडक हो सकती है, हो सकता है सर्दी जुकाम रहे, हो सकता है यहाँ पर ये पूरा भारी भारी लगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस वाले नॉस्ट्रिल में कॉटन लगा दीजिए, और दूसरा वही नाड़ी शोधन, नाड़ी शोधन का मतलब क्या होता है, दोनों नाड़ियों में शुद्धि कराने वाला, शोधन कराने वाला, बैलेंस कराने वाला प्राणायाम, जिसको नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम के नाम से जाना जाता है, उसका अभ्यास करिए, बढ़िया रहेगा। पर सर, मेरे हाथ और पैरों के तलवे पूरे गर्म ही रहते हैं। हाथ और पैरों के तलवे जो गर्म रहते हैं ना, वो गर्म रहते हैं आपके यहाँ की गर्मी की वजह से, ये जो गर्मी है ना, इस गर्मी को शांत करना पड़ेगा, उस गर्मी को शांत करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पीजिए बहुत सारा, और जो हथेली और तलवे हैं उन पर आप ऐसा कर सकते हो, एक कपड़ा लिया ठंडे पानी में गीला कर करके, कपड़े को यहाँ लपेट दिया, उसके ऊपर से फिर आप थोड़ा सा ऊनी कपड़ा लपेट दीजिए, मफलर टाइप का, ऐसे ही पैरों पर, शुगर थोड़ी है आपको, आफ्टर कोरोना हो गया है, पर नॉर्मल है, ज्यादा नहीं है। मेडिसिन लेते हैं शुगर की, तो हाँ, लेती हूँ। फिर ये न्यूरोपैथी है, न्यूरोपैथी में थोड़ा सा हाथ पैर हल्के से जलन के साथ साथ थोड़ा गरम गरम रहेंगे, और थोड़ा झंझनाहट सी सूनापन सा रहेगा, अगर ऐसा रहता है तो इसको न्यूरोपैथी बोलते हैं, न्यूरोपैथी में ये गीला कपड़ा ऊपर से ऊनी कपड़ा ये आप लगाइए 20-20 मिनट के लिए दिन में, एक बार रात को सोने के पहले ही कर लीजिए, बहुत अच्छा आराम मिलेगा, अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करिए, इस वाले नॉस्ट्रिल में कॉटन लगाइए कम से कम आधे आधे घंटे करके दिन में 2 बार, और दोनों नॉस्ट्रिल्स में घी डालिए, ठीक है, इससे आपको डेफिनेटली आराम हो जाएगा। सर, एक क्वेश्चन और है। मेरी बेटी को साइनस की शिकायत हुई है, यहाँ का मांस बढ़ गया है एक तरफ हाँ, का, तो एक बहुत अच्छा, मैंने डॉक्टर अभी कल ऑपरेशन परसों ही के लिए वीडियो बोलते बनाया हैं। है, मैं समझ गया, हाँ, अभी कल परसों का ही एक अपलोड होगा, नाक का बढ़ा हुआ मांस या नाक की हड्डी टेढ़ी है, तो तीन हाँ। चार उपाय होते हैं उनको फॉलो करना है, अभी कल परसों का अपलोड होगा, उसको आप देख लीजिए, उसमें पूरा बताया हुआ है कैसे कैसे उस चीज को करना है, घरेलू उपचार है, आराम से हो सकता है, रेगुलर सर, करवाइए, डेफिनेटली आराम हो जाएगा, घरेलू उपचार से ठीक हो जाएगा सर? घरेलू उपचार से ही ठीक होगा, घरेलू उपचार मतलब घरेलू नहीं है वो, घरेलू का अच्छा, मतलब जड़ पर वार करना, जड़ पर वार करेंगे डेफिनेटली आराम मिलेगा, भाप ले सकते हैं सर गर्म पानी से? फेशियल स्टीम उसमें बताया हुआ, गर्म पानी की भाप जो है ना उसमें चाहे तो सफेदा यूकेलिप्टस के पत्ते या यूकेलिप्टस ऑयल डाल करके भाप ले लीजिए, बढ़िया रहेगा। ओके थैंक यू सर। यस मास्टर, किसी और का कोई क्वेश्चन? एंगेज कीजिए मास्टर। सर, एक था घुटनों घुटनों के दर्द का, था घुटनों में दर्द होती है थोड़ा, क्या करें? जी में दर्द रहता है, देखिए जी वो घुटनों में दर्द का तो सबसे बड़ा कारण मैं देखिए बताऊं आपको, जैसे ये घुटना है, चला नहीं जाता जी, हाँ कहते हैं वो खत्म हो गया ग्रीस, इस पर क्या पता नहीं क्या अब ग्रीस। ये जो है ना घुटने का ऊपर की हड्डी और ये नीचे की हड्डियां हैं, नीचे की जी हड्डी के ऊपर के हिस्से पर ये मेनिस्कस होता है, यहाँ गद्दी बोलते हैं, गादी, जी ये गादी जो है ये घिस जाती है, और हाँ जी हाँ जैसे जी जैसे ये गादी घिसती है तो फिर जो गादी और ऊपर की हड्डी के बीच में एक मेम्ब्रेन होती है जिसको साइनोवियल मेम्ब्रेन बोला जाता है, उस पर प्रेशर जी आता है, वो फूट जाती है और ग्रीस निकल के बाहर आ जाती है, जिसको फ्लूड बोला जाता है, जी तो जी फिर जी ऊपर की हड्डी नीचे की हड्डी पर टकराती है और जिसकी वजह से दर्द होता है। तो जी इस जी दर्द का उपचार जो है
वो केवल एक उपचार है, आप रेगुलर अपनी क्वाड्रिसेप मसल जो है, फ्रंट थाई मसल जो होती है, उस मसल को जी, मजबूत करें। इसके अलावा आप सारे उपचार बेकार हैं। वो मजबूत कैसे करेंगे सर? उसकी मजबूती के लिए एक वीडियो है, जिसको वैसे तो 9 एक्सरसाइजेज हैं, उसमें नी एक्सरसाइजेज बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा आप सर्च करेंगे मिलेगा। उसमें नौ जी, एक्सरसाइजेज कराई हैं, उन 9 एक्सरसाइजेस को नियमित दिन में 3 बार फॉलो करिए, 15-20 मिनट की एक्सरसाइज एक बार में आप रेगुलर करिए, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा आराम मिलना चालू हो जाएगा। और घुटने के ठीक ऊपर इस वाले हिस्से पर गरम ठंडा सेक करिए, गरम पानी की थैली से गरम, ठंडे पानी के गीले कपड़े से ठंडा, बहुत इफेक्टिव जी, रहेगा, इससे आराम मिलेगा। मतलब एक दफा गर्म से करना, दूसरी दफा ठंडे से करना जी। आप पहले 2 मिनट गरम, उसके बाद ठंडा, फिर गरम, फिर ठंडा, फिर गरम, फिर ठंडा, अल्टरनेट हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा, ये पूरा वीडियो है, इसको देख लेंगे। ठीक है सर, आज एक सेटिंग में कोई 4 दफा गर्म, 4 दफा ठंडा से करना है ना जी? 5 दफा गरम, 5 दफा ठंडा, पहले गरम से शुरुआत करेंगे, लास्ट में अंत जो होगा वो ठंडे से होगा। जी, वो 10 दफा एक सेटिंग में, और बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा सेटिंग दिन में कोई 2-3 दफा देगा। एक बार कर लीजिए ये तो, गरम ठंडा सेक तो एक बार, 3 बार एक्सरसाइजेस, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ठीक है। तो जी, ओके। इसका कोई खाने पीने का या कोई मेडिसिन कुछ नहीं? खाने पीने में मेडिसिन अगर आप चाहें तो ग्लूकोसामाइन आता है, ग्लूकोसामाइन का यूज कर सकते हैं। वही केवल एक चीज है, वो पेन किलर नहीं है, वो जी आपके इस कार्टिलेज को रिजनरेट कराने में हेल्प करेगी। तो ग्लूकोसामाइन जी आपके मेडिकल शॉप पे आसपास में कहीं भी मिल जाएगी, उसको ले लेना। हाँ, डॉक्टर लोग तो इसका वो देते हैं सर, पेन किलर देते हैं, पेन किलर तो साइड पेन इफेक्ट किलर करता है, तो आप किडनी जितना प्रॉब्लम करता है। लोगे, पेन किलर के लिए बॉडी पेन किलर ले लेकर के खराब हो जाएगी। पेन किलर से तो कोई जी लेना देना है नहीं ना, पेन किलर तो ठीक वैसे हो गई कि जैसे आजकल चलता है ना कि स्पोर्ट पर्सन जो है वो स्टीरॉयड ले लेकर के आंखें फुड़वा लेते हैं, घुटने तोड़वा लेते हैं, लेकिन दौड़ते रहते हैं, ये तो बेकार बात है, जी जी कोई जी जी मतलब जी नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। जमा ये हुआ डॉक्टर कैसे साहब, मैं निकले? जी बोलिए, ठीक है, सर और जैसे, कुछ? सर यस जैसे मास्टर कफ छाती बोलिए, में क्या जम कहना? जाता है, कफ छाती में जम जाता है, चेस्ट को। कैसे निकले? जी कफ छाती में जम जाता है वो कैसे निकले? कफ जो छाती में जम जाता है उसके कई कारण होते हैं। पहला कारण तो ये हो सकता है कि एलर्जिक साइनसाइटिस है, उसकी वजह से भी छाती में कफ जम जाता है। कभी कभी एक्यूट कोल्ड होता है, उसकी वजह से जम जाता है। कभी कभी ब्रोंकाइटिस हो जाता है, उसकी वजह से जम जाता है। तो कोई भी कारण हो, जमे हुए कफ को निकालने के 2 तरीके आप अपना लीजिए। पहला तो अभी जो बात हो रही थी, फेशियल स्टीम, चेहरे नाक से होते हुए भाप जो है वो फेफड़ों तक ले जाई जाए। भाप अपने आप में म्यूकोलाइटिक होती है, म्यूको मतलब कफ, लाइटिक मतलब पिघला करके छुड़ाने वाली, तो भाप लीजिए। दूसरा नस्य करिए, तो एक तो ये हो गया। अब एक इलाज है डाइट का, तो डाइट में आप मुलेठी ले लीजिए, सौंठ के साथ में शहद मिलाकर, तो मुलेठी सौंठ और शहद मिलाकर के पेस्ट जैसा बना लीजिए, और दिन में 2 से 3 बार एक एक चम्मच उंगली से ऐसे करके लिक करना है, चाटना है, ठीक है? उससे कफ जो है वो छूट के बाहर आना चालू हो जाएगा। अगर नाक बंद है तो दिन में 2 से 3 बार गुनगुना करके गाय का घी डालिए, और थोड़ा सा अलर्जिक चीजों से बचिए, ठंडी और खट्टी चीजें मत खाइए, परहेज पर जी रखिए, छाछ, दही, दूध से बनी मिठाइयाँ, कोल्ड ड्रिंक्स, या फिर फ्रिज में रखी हुई कोई भी चीज, इससे बचेंगे, ठीक है? बिल्कुल आराम हो जाएगा। अभी उसकी कैसे निकलेगी? आवाज नहीं आ रही, आप थोड़ा सा तेज अगर बोलेंगे तो ठीक रहेगा। छोटे महीने का बच्चा है, ना, कितने महीने का है? 5 महीने का बच्चा है, उसको भी जैसे आजकल थोड़ा कोल्ड लगता है तो। अच्छा, 5 महीने का बच्चा है क्या? हाँ, 5 महीने का बच्चा जो है अच्छा, उसका तो कैसे देखिए, निकलेगा? 5 महीने का बच्चा है तो सबसे पहला काम तो ये करवाइए कि जब आजकल आदत हो गई है लोगों की, बहुत बहुत तेज हवा में लेटते हैं, तो हवा को जी बिल्कुल धीमा करिए, पंखा या जो भी कुछ चला रहे हैं बिल्कुल धीमी गति से चलाएं, केवल ठंडक रहे, जी एयर का प्रेशर नहीं होना चाहिए। बच्चे
का एयरवे जो है वो बहुत सॉफ्ट होता है, अगर एयर के प्रेशर के साथ में एयर जाएगी डेफिनेटली उसको बार बार ये प्रॉब्लम रहेगी। अभी ह्यूमिडिटी ज्यादा है, बरसात का सीजन है, एक तो इससे बचाइए। दूसरा, अगर बच्चे को ऐसा कंजेशन लग रहा है तो अमलतास आता है, अमलतास अगर नाम सुना हो, अमलतास बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा, एक पूरा वीडियो है आप उसको देखना। तो अमलतास की फली आती है, अमलतास की फली को पानी में घोल करके ड्रॉपर से उसको 5-5 ड्रॉप दिन में 3 बार पिला दीजिए। तो जैसे ही आप अमलतास पिलाओगे पानी में घुला हुआ, हल्का गुनगुना पानी मिला करके, तो आप देखोगे कि उसका म्यूकस जो है वो छूट छूट करके गले में आकर के आहार नाल में चला जाएगा और उसके बाद वो मल द्वार से बाहर आ जाया करेगा, उसको कंजेशन नहीं रहेगा। डेफिनेटली बहुत अच्छा फायदा, तो आप ये करवा दीजिए। वैसे आजकल थैंक देखने में आ रहा यू मास्टर कि बहुत सारे बच्चों को ना नेबुलाइजर लगे हुए हैं, मतलब देखा है सर, लग रहे हॉस्पिटल हैं जाते उसका हैं कारण छोटे ही ये है। छोटी उम्र में ही बहुत बच्चों को मतलब क्या कहते हैं वो कुछ लगा होता है, नेबुलाइजर भी लगे होते हैं और बच्चे कुछ को जैसे हवा नेबुलाइजर लगाने वाला। हाँ तो जी हाँ जी बहुत आवश्यक होता है, कि होता है ना, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो यस प्रिवेंशन यस होता है कि आप चीजों का थोड़ा ध्यान रखें ताकि आपको इलाज ना कराना पड़े। इलाज कब कराते हैं? जब बीमार हो जाता है कोई, और बीमार कब होता है? जब बरती जाती है, लापरवाही ना बरती जाए तो डेफिनेटली बीमारी से बचेंगे, आपको इलाज कराने की जरूरत ही नहीं है। तो इसमें क्या क्या प्रिवेंशन रखे, किन प्रिकॉशन रखे जा सकते हैं? प्रिकॉशन जो अभी बताया आपको, एक तो पंखे की स्पीड बिल्कुल कम रखें, ठंडक जी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बच्चे को गर्म सर्द एकदम से नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठंडे में था बच्चा और बाहर ले आए, अपन तो बड़े हैं चलो चल जाता है, कोई ठंड और गर्म को बॉडी अडॉप्ट जल्दी कर लेती है, लेकिन छोटे बच्चे का शरीर इतनी जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाता। तो वो सबसे बड़ा कारण बनता है कि अभी तो बिल्कुल ठंडक में था, एकदम धूप में ले गए, धूप से ले आए एकदम से ठंडक में ले आए, तो ये जो चेंजेस हैं बच्चे का शरीर नहीं सहन कर पाता, जिसकी वजह से बच्चा जल्दी बीमार हो जाता है। तो इन चेंजेस से बचें, बच्चे को एकदम से ठंडा या एकदम से गर्म चीजें ना खिलाई जाए, सम करके बच्चे को खिलाया या पिलाया जाए, फिर बच्चे का पेट साफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस चीज पर विशेष ध्यान रखा जाए। सामान्य तौर पर ये चीज हम बच्चे या जानवरों से ही सीखते हैं कि जब भी थोड़ी बहुत बीमारी होती है सबसे पहले फूड छोड़ते हैं वो, और हम उनको ठुसाए जाते हैं, जैसे ही बच्चे ने दूध छोड़ा हम उसको दूध ही सबसे ज्यादा पिलाते हैं क्योंकि पी नहीं रहा वो। तो ये आदतें जब तक हम थोड़ा सा समझ करके, जैसे घर में पहले दादियां और नानियां एक अच्छे MD ऑर्थोपेडिक्स से ज्यादा समझदार होती थी, ज्यादा ध्यान रख लेती थी, बच्चे को बीमारी नहीं होने देती थी, उनको पता था बच्चे को किस लेकिन तरीके से क्या करना है, किस तरीके से रख रखाव करना है, और वही आज आवश्यक है। क्योंकि आज लोग जैसे ही बीमार होता है बच्चा डॉक्टर के पास लेके दौड़ते हैं, डॉक्टर नेबुलाइज करवा देता है, प्रॉब्लम धीरे धीरे करके बढ़ रही है। तो ये नेबुलाइजर की प्रॉब्लम कैसे छूटे सर? मतलब ये नेबुलाइजेशन की तो सर प्रॉब्लम दर्द छुटाने का के लिए तो ये जो चीजें बताई ना आपको, ये करवाइए और अलग ही अमलतास सर। दिलवाइए। अमलतास अगर, क्योंकि बच्चे को हम जैसे स्टीम तो बच्चे को कराएंगे कैसे, तो अमलतास का काढ़ा या अमलतास का पानी जो है ना बच्चे को ड्रॉपर से दे दीजिए, वो बच्चे को अगर देते जी रहेंगे तो बच्चे का कफ जो है वो जमेगा नहीं। तो छोटे छोटे बच्चों को जनरली क्या है, ब्रोंकाइटिस होकर के निमोनिया हो जाता है, और अगर 2-3-4 बार निमोनिया हो गया तो उसका रेस्पिरेटरी ट्री ही पूरा का पूरा वीक हो जाएगा। बच्चे का रेस्पिरेशन अगर बिगड़ा, तो ऑक्सीजनेशन बिगड़ेगा, बीमारी बना रहेगा, फिर दिक्कतें आ जाएंगी, इसलिए आप उसको अटेंड हैं। रेस्पिरेशन को ठीक करने के लिए सर, क्योंकि हमारे किसी रिश्तेदार में है बच्चा नहीं जस्ट बताना, बच्चे को तो केवल उसके आई। एयरवेज को क्लीन कराना है, तो अमलतास सबसे बढ़िया है, अमलतास दिलवाई और उसके मतलब कमरे उससे उसका को रेस्पिरेटरी ह्यूमिडिटी सिस्टम से जो बचाइए। क्या जो सिस्टम जो पहले बिगड़ चुका है वो ठीक हो सकता है। तो डेफिनेटली हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बच्चे का तो और जल्दी हो सकता है। वही मैं बोल रही थी, 3-4 साल का बच्चा है और उसको काफी टाइम से नेबुलाइजर थोड़ी देर में यूज तो हो जाता है, तीन पता चार नहीं साल लगता का कैसे हो गया है। जी 3-4 साल का बच्चा है तो उसको हम कुछ चीजें और करा सकते हैं। 3-4 साल का बच्चा जी है तो उसको हम दिन में 2-3 बार गुनगुने पानी में हल्दी और काला नमक या सेंधा नमक डाल करके गरारे करा दें, कुल्ले करा दें, इससे उसको तो केवल नेबुलाइजेशन नहीं लग रहा, उसको तो टॉन्सिलाइटिस भी होगा, एडिनोइड्स होंगे नेजल एरिया में। 3-4 साल के बच्चे के साथ तो और प्रॉब्लम थोड़ी बदल जाती है ना, तो उसके हिसाब से उसका मैनेजमेंट रहेगा। ये तो मैं सोच रहा था कि साल भर के आसपास के बच्चे के लिए पूछ रहे हैं, अगर 3 साल का बच्चा नहीं है नहीं तो 3-4 साल के बच्चे
उसको क्योंकि थ्रोट मैं हाइजीन मेंटेन कराइए, उसका नेजल हाइजीन मेंटेन कराइए, नाक में उसके में दिन में 3-4 बार हल्का गरम घी डालिए। तो हल्का गरम घी डालेंगे, अगर नेजल एडिनोइड्स भी होंगे उसके, तो एडिनोइड धीरे धीरे ओके करके सबसाइड होना चालू हो जाएंगे। फिर उसको एक रेस्पायरोमीटर आता है जी जिसमें बॉल्स लगी रहती है ना, उसको यूज करवाइए दिन में 3-4 बार, उससे उसके फेफड़े जो है ना मजबूत होना चालू हो जाएंगे। और भी चीजें हो सकती हैं उसके लिए। जी एक बार बच्चे का फोटो मुझे भेजेंगे कैसा है, मैं देख करके सर, फिर क्या हो सकता है उसके लिए। ठीक है सर, मैं मिलती हूँ तो बात करती हूँ और ठीक फोटो है भी जी भिजवाती हूँ आपके पास। जी और सर, और किसी को मास्टर कोई जानकारी लेनी है? आजकल जो कॉमन प्रॉब्लम है सर, जैसे नी प्रॉब्लम तो किसी ने पूछा अभी कि नी प्रॉब्लम तो, और बैक प्रॉब्लम, नी प्रॉब्लम और शोल्डर फ्रोजन वगैरह, ये सब भी शोल्डर फ्रोजन का भी काफी दिक्कत आ रहा है लोगों को, इसके लिए भी कोई कॉमन व्यूज दे होंगे आपके पास? देखिए, बेसिक जो जॉइंट्स हैं, जो वेट बेयरिंग जॉइंट माने जाते हैं, एक तो गर्दन, गर्दन में दर्द क्यों आ रहा है, यस क्योंकि लोगों को बैठ करके ऐसे काम करना है, तो उसकी वजह से सिर का भार गर्दन की मांसपेशियों पर लगातार पड़ा रहता है, जिसकी वजह से ये मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। ये जैसे ये है, जी ये गर्दन है, ये वाली मांसपेशियां इधर की कमजोर पड़ती हैं, और इसकी वजह जी से हम सर, देख रहे हैं ना कि सिर कहाँ अटैच है, आगे की तरफ वजन ज्यादा है, पीछे की तरफ वजन जरा सा है, आगे की तरफ कहीं ये ऐसे करके गिर ना जाए, इसलिए ये पूरी मांसपेशियां खिंची रहती हैं, और खिंचावट इन जी मांसपेशियों जो है, यहाँ सूजन ले आती है और ये पूरा दर्द रहता है, ऐसे करके दर्द यहाँ तक आता है। इसके लिए आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइजेज बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा, पूरा वीडियो है उसको देखें, केवल वो एक्सरसाइजेज से आपकी आइसोमेट्रिक समस्या खत्म हो जाएगी। एक्सरसाइज, यस आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, आइसोमेट्रिक मतलब नॉन मूवमेंट्री एक्सरसाइज, मूवमेंट नहीं है जिनमें, ठीक है। अब ओके। और आते हैं जो फ्रोजन शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर मतलब शोल्डर की मसल जो है ये फ्रीज हो जाती है। अगर ये फ्रीज हो रही है तो इसकी फ्रीजिंग को रोकने के लिए एक तो पहले गर्म सेक करवाइए, क्योंकि अगर अपन तुरंत ही फ्रीज्ड मसल पर एक्सरसाइज करेंगे तो मसल टियर हो सकती है, मसल टियर हो गया दिक्कत आ जाएगी। आजकल लोग, बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं, वो अगर फ्रीज हो गया है ना, खिंच नहीं रहा, तो वो जोर से खींच खींच के उसको सही करने की कोशिश कर देते हैं, सारी मसल को तोड़ फोड़ के खराब कर देते हैं। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। आपको क्या करना है, पहले फ्रीज्ड मसल को सफल बनाइए गर्म सेक करके, गर्म सेक करके वहां पर गर्मी की सिकाई की वजह से जो फ्रीजिंग आ गई है मसल फाइबर में, वो धीरे धीरे करके रिलैक्स होना चालू होगी, ढीला बनेगी मसल। अपन कह रहे थे ना, हाथों में गर्म पानी इसलिए नहीं पीना क्योंकि ढीली हो जाती है, यहाँ गर्म इसलिए करना है क्योंकि कड़ी हो गई है, ढीला ही करना है, ठीक है। तो गर्म सेक करेंगे, यहाँ गर्म सेक 3-4-5 दिन करने के बाद फिर हम छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं, तो एक्सरसाइजेस फॉर फ्रोजन शोल्डर बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा, पूरा वीडियो है, आपको लगभग 1300-1400 वीडियोस हैं, तो आपको लगभग आपके हर प्रश्न के ऊपर एक वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। जी सर, आज मैं आपका वीडियो देख के ही आपको ढूंढ पाई थी सर। बहुत बढ़िया। सर सर, मुझे है प्रॉब्लम सर यहाँ की, कौन फ्रोजन शोल्डर, जी? हाँ, यहाँ आज पूरा इसको मतलब डायबिटीज भी गोली है, तो गोली डायबिटीज लगे। केस में मसल की फ्रीजिंग बहुत कॉमन होती है। ये वाली चीज जैसे गरम सेक कर लीजिए, गरम सेक करने के बाद स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती है, स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज वो आप योगा फॉर फ्रोजन शोल्डर करके देख लेंगे, उसमें आपको मिल जाए एक्सरसाइजेस फॉर फ्रोजन शोल्डर बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा, आप डॉक्टर ने देखिए। करवट पे सोने के लिए मना किया, फ्लैट सो। नहीं सकते, करवट पर सोएंगे तो मसल खिंची रहती है ना, दबी रहती है ऐसे, तो हाँ दबी सर, रहेगी तो और खराब हो जाएगी एकदम से, तो हाँ बहुत ज्यादा दर्द एक प्लस गरम सेक करिए, उससे आराम मिलना चालू हो जाएगा। और एक्सरसाइजेस धीरे धीरे करके करनी है, प्रयत्न शैथिल्यम अनंत समापत्ति भ्याम, आसन के अभ्यास आजकल जो खींच तान करके कराए जा रहे हैं नहीं करना चाहिए। योग ऐसे ऐसे तरीके से कराया जा रहा है कि महर्षि पतंजलि अगर ऊपर से देख रहे होंगे ना, तो उनको बड़ा पछतावा हो रहा था कि किसको सिखा के आ गए हम, क्या लिख के आए थे और क्या कर रहे हैं लोग, बड़ी मुश्किल है। तो ऐसे उल्टे सीधे कर्म नहीं करने, इसकी वजह से दिक्कत आ जाएगी। तो बड़े धीरे धीरे करके ध्यान से, आराम आराम से चीजों को सूर्य और नमस्कार कर जी सर, सकते क्या सर? सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते ऐसी जी से। सूर्य नमस्कार में जो आप फिफ्थ स्टेप करते हो ना, फोर्थ स्टेप, उसमें आपके शोल्डर पे बहुत ज्यादा जोर आएगा, आपको नहीं करना चाहिए, सर। ठीक सर है। एक बात और पूछना थी, ये जो मैंने बताया कि मेरी बॉडी गर्म रहती, ये आफ्टर मेनोपॉज हो रहा है, पहले आफ्टर मेनोपॉज होता है, पूरा हाँ ठंड
कॉमन फीचर है मेनोपॉज का, मेनोपॉजल सिम्टम्स होते हैं ये, तो पेरी मेनोपॉजल टाइम होता है। पेरी मेनोपॉजल टाइम का मतलब है मेनोपॉज जिस समय हो रहा है उसके लगभग 2 साल पहले से लेकर के लगभग सात आठ एक साल, साल हो गए सर, 8 साल हो गए। हाँ 8 साल हो गए, नहीं 8 साल हो गए तो वो खत्म हो गया। पेरी मेनोपॉजल टाइम में बता रहा हूँ ना कि 2 साल पहले से चालू होकर के मेनोपॉज होने के 1 साल बाद तक अगर जो सिम्टम आ रहे हैं तो वो तो मेनोपॉजल माने जाएंगे। अगर 1 साल खत्म हो गया उसके 7 साल के बाद कुछ आ रहा है तो फिर नहीं, मेनोपॉज उसके का बाद से ही गरम गरम रहता है। वो तो ठीक है, मेनोपॉज हो गया वो बात खत्म हो गई, अब अपने को इस गर्मी का कारण कुछ और ढूंढना है, वो वाला कारण नहीं है। तो वो जो आपको कारण बताया वही है, पेट की गर्मी। पेट की गर्मी को शांत करिए, ठीक रहे। तो तो खाने में क्या पेट लेना पे जो चाहिए ठंडी सर? पट्टी वगैरह होती है वो रख सकते हैं सर, मिट्टी की पेट पट्टी की वगैरह आयुर्वेद में, शर्मा आप सर नेचुरोपैथ। कर, तो गैस्ट्राइटिस में डाइट थेरेपी पूरी, क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, तरीका क्या खाने का, और एक्सरसाइजेस कौन से करने हैं, नेचुरल ट्रीटमेंट कौन से हो सकते हैं। तो आइदर पित्त की वृद्धि बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा, या फिर गैस्ट्राइटिस बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा, या एसिडिटी मैनेजमेंट बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा, सर ये अलग आपको अलग एक और है। बिल्कुल सेशन लेना पड़ेगा मुझे लगता है। जी बिल्कुल मैम, डॉक्टर साहब का लोड, डॉक्टर साहब तो एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस पर्सन है, इनका लो सेशन है एक और। मास्टर मास्टर मैं आप लोगों के लिए ही तो ये सब बुलाती हूँ, लेके आती हूँ, बहुत मुश्किल से ढूंढने पड़ते ये बहुत बढ़िया काम है हैं। दो दिन आपका बहन जी, बहुत बहुत से मैं अच्छा काम सर्च है। कर रही थी और आज मेरा, मैं बहुत थक गई थी तो मैंने कहा कहाँ से डॉक्टर पकड़ के लाऊं, डॉक्टर ढूंढू कहाँ से लाऊं जो हमें सही जानकारी दे सके। तो मैंने सोचा जो आज मेरा यूट्यूब पे खुलेगा वही डॉक्टर आज होगा। और बाई चांस रमाकांत जी का यूट्यूब खुला और मैंने उन्हें देखा, उनको कॉल किया और उन्होंने, उनके मतलब ये भी हमारी समझो कि अच्छी किस्मत है जो इन्होंने एक्सेप्ट भी किया है ना। अरे संयोग और है, संयोग है, और जी बहुत अच्छी बात है मैम। जी जी थैंक जी जो इन्होंने यहाँ पे आने के लिए हाँ वहाँ किया तो मैं भी थोड़ा, मेरा भी मन मन थोड़ा इधर इधर से थोड़ा वो हुआ। मैं भी तभी भी दुखी थी, मैंने कहा पता नहीं हमारे अकॉर्डिंग क्यों कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हमारी कैसे लोगों को समझा पाएंगे, लेकिन हमारी जो कल्पना थी हमने जो सोचा था उससे ज्यादा ही किया। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और मैं चाहूंगी थैंक आप फिर मुझे एक बारी आप एक सेशन में फिर आने की सोचिए, आपको मैं फिर एक मौका देना चाहूंगी क्योंकि दर्शकों की जो भावनाएं हैं उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल जी, सके, मांग हमारा है और उद्देश्य भावना यही है। है। हाँ जी, मांग है काफी हाँ यही मांग उद्देश्य है हमारा। है, डॉक्टर साहब अनुभवी हैं और अच्छा बिल्कुल अच्छा बहुत ज्ञान देंगे लोगों को। जी बोला जी मास्टर करिए बोला भाई, पुस्तक भाई जी। जी ने जो ध्यान कराया बहुत ही बढ़िया लगा। मैं एक्चुअली विजुअल पर नहीं था, थोड़ा काम कर रहा था, लेकिन काम करते करते जो चीजें आ रही थी वो काम छोड़ करके मुझे सुनना पड़ा पूरा। बहुत बढ़िया रहा, तो बहुत अच्छा वैसे रहा। मास्टर इनको भी मैंने आज पहली बार मौका दिया है, थैंक मैंने कहा हमारे ध्यान में जो आने वाले हैं उनको उन्होंने कितना ध्यान सीखा है तो उन्हीं से थैंक जानकारी ली जाए, तो आज इनका भी पहला मौका था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया थैंक जी, यू मैम, बहुत थैंक थैंक यू यू सर, बहुत थैंक सर। यू, हाँ तो आज मैं आप दोनों का थैंक ही धन्यवाद, पुष्कर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो अच्छा अच्छे से अपना रेकी के फार्मूले के द्वारा आपने ध्यान कराया और कलर थेरेपी कलर वगैरह यू सब कुछ समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, पुष्कर जी आपका भी। और रमाकांत जी आपका तो धन्यवाद थैंक हम शब्दों में कर ही नहीं सकते, तो यू। हम वो पूरे जो कहते हैं ना सेशन हृदय की के गहराइयों से आपका। जी, दिल की गहराइयों से एक विजिट और देना डॉक्टर साहब। हाँ बिल्कुल डॉक्टर बिल्कुल साहब के बिल्कुल साथ एक और होना चाहिए, एक विजिट जी, और मेरे होना सर चाहिए। डॉक्टर ठीक है सर, साहब विजिट और हमारा हर जी, सैटरडे को होलिस्टिक काफी लाइफ लोगों पे का भला होता हो है, रहा तो होलिस्टिक लाइफ में जितना आपने बताया उसमें थोड़ा सा ध्यान का और ब्रीफ कर दीजिए, वो ऐड करेंगे तो बहुत बेटर होगा क्योंकि हमारी जो ये है ध्यान ग्रुप ही है, तो मतलब वो कहते हैं बिल्कुल। ना कि सब्जी अगर थोड़ा नमक ना डाला जाए तो नमक के बिना तो बात बनेगी नहीं ना, तो थोड़ा जी नव जी जी ध्यान का भी तड़का लगा दीजिए। जी 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 अब तड़का नेक्स्ट सेशन में जरूरी आप आएंगे तो मुझे बिल्कुल कि ध्यान का तड़का होना चाहिए, जी, तो बहुत ध्यान तो बहुत प्राइमरी बात धन्यवाद है ना जी, सर। प्राइमरी प्राइमरी है, प्राइमरी यस यस तो थिंग बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आयुर्वेद में भी ध्यान को बहुत महत्व दिया गया है, ऐसा नहीं है कि मेरे आप। कहने से कीजिए, अपने यस आयुर्वेद के अकॉर्डिंग टू ही ध्यान की बात मैं कर रही हूँ सर।
आइट विदाउट ध्यान तो मदर है मैम, सारी पूरी वर्ल्ड का ना ध्यान तो मदर है। ध्यान तो तो पूरा मास्टर, रेवोल्यूशन लाने का, रिफॉर्म लाने का, रीस्ट्रक्चर करने का, तो वो पूरा मास्टर ही किसी और का बेसिक। कोई क्वेश्चन है तो बताइए, नहीं तो फिर आज की यहाँ पे ही हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और मास्टर डॉक्टर साहब को भी थोड़ा फ्री करते हैं। तो फिर कल मिलते हैं 9 बजे, और डॉक्टर साहब मैं आपको कॉल करूंगी, आपको सैटरडे के सैटरडे हमारा वह ये होता है हॉलिस्टिक लाइफ पे लाइफ स्टाइल पे होता है एवरी सैटरडे, तो कोई ना कोई डॉक्टर हम एवरी सैटरडे को लेके आते हैं जितने भी होते हैं, तो वो अपने अपने अनुभव बताते हैं, और लास्ट डे को का होता है जो भी होता है, तो यू कैन मतलब आप तब ठीक भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि आपके इतने अच्छे अनुभव हैं, इतने पेशेंट आपने ट्रीट किए हैं, तो उनके साथ क्या क्या आपका क्या है? तो जो अनुभव लगा वो भी आप शेयर कर सकते हैं सर। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू मास्टर, आज यहीं पे विराम देना चाहेंगे वाणी को। ओके, रात्रि थैंक यू ऑल ऑफ यू, जी, शुभ रात्रि थैंक यू, सभी, शुभ शुभ रात्रि रात्रि डॉक्टर साहब।